आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो लाइक Amazon, Flipkart, AliExpress जैसा खुद का ई कॉमर्स स्टोर को कुछ ही मिनट में बना सकते हो। हम WordPress प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है, कैसे हम प्रोडक्ट को एड कर सकते हैं, कहाँ से प्रोडक्ट को लाएंगे और पैसे कैसे कमा सकते, यही सोच रहे हो ना। तो ये सभी पॉइंट्स मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है आसान लैंग्वेज में कि आपको दूसरे शॉपकीपर के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचकर पैसे कमाना है। एग्जाम्पल के लिए अली एक्सप्रेस में कोई भी एक शॉपकीपर फिटनेस प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेच रहा है, वही सेम प्रोडक्ट को आपको अपने वेबसाइट में लिस्ट करना है। 100 रुपए में नहीं, आप 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए में लिस्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कस्टमर आकर आपके वेबसाइट से वो प्रोडक्ट को 600 रुपए में बाय करता है तो 600 रुपए आपके अकाउंट में तो आ गए। उसके बाद आपको डिलीवरी करने नहीं जाना है वो प्रोडक्ट को। उसके बाद जो प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस में 100 रुपए में है वो उसे आपको बाय करना है और वही सेम कस्टमर का शिपिंग एड्रेस डाल देना होगा। और अली एक्सप्रेस का शॉपकीपर क्या करेगा, वो सेम प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा उस कस्टमर को। तो इसमें आपने 500 रुपीज कमा लिए, सिर्फ आपके 100 रुपीज वापस पेमेंट में गए। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो धीरे धीरे करके आप इजीली समझ जाओगे, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर सर्च करें व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, तो आप ये सभी वीडियोस को देखना और समझ लेना कि ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करता है, कैसे हम यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जाकर आप खुद का ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को बना लेना मेरा ये पूरा वीडियो देखकर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करना होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंजर .in को जरूर यूज करना, वन ऑफ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप होस्टिंजर होस्टिंग का प्लान परचेस करते हो तो आपको डोमेन नेम फ्री में मिलेगा, साथ में आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। 3 प्लान्स मिल जाता है, वो भी अफोर्डेबल प्लान्स है। प्रीमियम प्लान 149 मंथली, बिजनेस प्लान 269 और क्लाउड स्टार्टअप प्लान 699। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप प्रीमियम प्लान के थ्रू जा सकते हो। मैं खुद पर्सनली प्रीमियम प्लान को यूज कर रहा हूँ, देख सकते हो प्रीमियम वेब होस्टिंग, और मैंने यहाँ पर मेरे 2 वेबसाइट को लिस्ट भी किया हूँ। ऐड टू कार्ट कर लीजिए। आपको 4 प्लान्स मिलेगा, 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 48 मंथ। रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 12 मंथ तक ही जाइए। फ्री डोमेन आपको फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा, 239 मंथली होगा, मींस आपको पे करना होगा 3384 रुपीज। इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके जाते हो तो आप ये सभी कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पर कूपन कोड दिया हो। एग्जाम्पल के लिए मैं ये टॉप पर कूपन कोड को कॉपी करता हूँ, हैव अ कूपन कोड पर जाइए, इसे पेस्ट करिए एंड अप्लाई। देखो 300 रुपीज आपका माइनस हो चुका है, 3000 आपको सिर्फ पे करना है। तो आपको 3000 रुपीज 12 मंथ्स के लिए पे करना होगा। साथ में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहा है, 100 वेबसाइट्स लिस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट, मींस आप जितने भी वेबसाइट को लिस्ट करोगे उतने आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। SSL सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आपका जो यहाँ पर देख सकते हो सिक्योर कनेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप वेबसाइट बिल्ड करते हो। तो ये भी आपको अनलिमिटेड मिलेगा, 99% अपटाइम मिलेगा। वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हो, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, एंड अगर आपका वर्डप्रेस पहले दूसरे होस्टिंग सर्वर में तो आप उसे माइग्रेट करके ये होस्टिंग सर्वर में भी ला सकते हो। ये सभी फीचर्स आपको सिर्फ 3000 रुपीज पे करना होगा। तो आप जरूर चेकआउट करना होस्टिंगर होस्टिंग, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप होस्टिंग को बाय कर लेते हो आपको डोमेन के ऑप्शन पर जाना है। आपको जो भी डोमेन अच्छा लगे उसे आप सर्च करके यहाँ पर बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको 1 ईयर के लिए फ्री में डोमेन मिल रहा है। गेट अ न्यू डोमेन पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर आप सर्च करिए और उस हिसाब से आप डोमेन को बाय कर लेना। नेक्स्ट आपको वेबसाइट पर आना है, आपको वेबसाइट को ऐड करना होगा। क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट पर क्लिक करिए, तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं स्किप कर देता हूँ। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पर क्लिक करिए, अगर आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो आप उसको माइग्रेट कर सकते हो। सिलेक्ट पर क्लिक करिए, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, वर्डप्रेस हम यूज करने वाले उसे सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब कुछ डाल के कंटिन्यू कर लेना। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। मैनेज पर क्लिक करके आप अपने वेबसाइट का पूरा डेटा को चेकआउट कर सकते हो, लाइक फाइल मैनेजर, डेटाबेस, उसके बाद सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, डोमेन्स, वेबसाइट, फाइल्स, ये सभी चीज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरे होस्टिंग सर्वर के मुकाबले होस्टिंगर होस्टिंग आपको यूजर फ्रेंडली सर्वर प्रोवाइड करता है, ताकि आपको सब कुछ समझने में भी आसानी हो और आप इजीली यूज कर सकते हो। अभी तो मैंने बात कर दिया वेबसाइट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एडमिन पैनल पर जाकर आप वर्डप्रेस को ओपन कर लेना। नेक्स्ट अभी आता है कि हमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए
एक प्लगइन की आवश्यकता होगी जिसका नाम है अली ड्रॉपशिप प्लगइन। वन ऑफ द पावरफुल प्लगइन है पूरे वर्डप्रेस इकोसिस्टम में। ये प्लगइन $89 में आता है, बट आपको इतना पे नहीं करना है, मैं आपको 50% डिस्काउंट देने वाला हूँ, आप आगे देखना। ये अली ड्रॉपशिप प्लगइन क्या काम करेगा, फ्री अपडेट एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम तक फ्री है। सब कुछ ऑटोमेशन है, सभी प्रोसेस में जो आपको बताऊंगा सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। प्रोडक्ट भी ऐड करना ऑटोमेशन होगा, सिर्फ वन क्लिक में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। पेमेंट गेटवे से लेकर सब कुछ ऑटोमेशन होने वाला है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हो, जितने चाहो उतने प्रोडक्ट को लिस्ट करो, सिर्फ वन टाइम आपको पेमेंट करना है और ऑल फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ऑल द टूल्स टू मैनेज योर स्टोर, सभी टूल्स आपको मिल जाएगा। वन क्लिक इंपोर्ट प्रोडक्ट, सिर्फ वन क्लिक में इंपोर्ट हो जाएगा। और भी नीचे फीचर्स आपको मिलेगा, लाइक सर्च एंड इंपोर्ट कर सकते हो, फ्री बिल्ट इन थीम्स, फ्री में आपको थीम्स भी प्रोवाइड करता है अली ड्रॉपशिप। प्राइस को ऑटोमेशन कर सकते हो, वूकॉमर्स सपोर्ट, ऑटो अपडेटिंग, उसके बाद मोर फीचर्स मिल जाता है। अभी ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आते हो और बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 50% ऑफ मिलने वाला है। अभी ये $89 दिखा रहा है, बट आपको इतना पे नहीं करना है। रिडीम इट ईयर पर क्लिक करिए और मैं आपको दो कूपन कोड प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये दो कूपन कोड है, पहला वाला ये भावेश15, जो अगर मैं यहाँ पर डालूंगा एंड अप्लाई करता हूँ तो देखो ये $89 से $75 हो गया। बट इससे भी मैं आपको और कम करके दिखाने वाला हूं, एक बार इसे रिफ्रेश करिए। देखो ये $89 है, रिडीम इट ईयर पर क्लिक करिए। अभी ये वाला ऑफर चल रहा है हॉलोविन 50 का, 50% तक आपको ऑफ मिलने वाला है। $89 का प्लगइन सिर्फ $44 में मिलेगा और ये लाइफ टाइम तक फ्री है। $44 समझ लो, $89 का प्लगइन 50% ऑफ में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप जरूर चेकआउट करना। अली ड्रॉपशिप प्लगइन आपको बाय करना ही होगा, रिकमेंड है और ये नीड है। अगर आप इसे बाय नहीं करोगे तो आप ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट बना ही नहीं पाओगे। जैसे आप इसे बाय कर लेते हो उसका सेटअप प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी जो वीडियो में अभी आगे प्ले करने वाला हूँ वो ऑलरेडी मैंने पहले ही बना के रख दिया हूँ, पर उसमें थोड़ा वॉइस का आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट उसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ कैसे आपको ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट बनाना है। तो मैंने पहले क्यों वीडियो बना के रखा हूँ, क्योंकि जो वेबसाइट मैंने यूज किया था अभी वो वेबसाइट एक्सपायर हो चुका है, इसे रिन्यू नहीं किया इसलिए एक्सपायर्ड हो गया। तो ये वेबसाइट की मदद से मैंने ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट बनाया था, बट अभी ये एक्सपायर्ड हो गया है तो मैं इसे यूज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा था, उस वीडियो को आप चेकआउट करना जो अभी आगे प्ले होने वाला है। जो वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ उसका एक ओवरव्यू भी देख लीजिए, किस तरह का वेबसाइट हम बनाने वाले। तो मैंने ये वेबसाइट बनाया था, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, बिल्कुल इस तरह का वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सभी कैटेगरीज मिलते जाएंगे, इस तरह से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको बैनर चेंज करना है तो कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए ये बैनर को लगाया हूँ, वो भी बताऊंगा कैसे आप ये सभी इमेज को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वॉल सर्च कर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है वॉल से रिलेटेड, घड़ी है, वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो एक अच्छी बात है, कोई भी सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये सिर्फ इमेजेस लगाया, उसके बाद आइटम, जो आइटम यहाँ पर चेकआउट में वो यहाँ पर शो करेंगे। फ्री वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन है और टॉप पर आपको एक टॉप मेन्यू शो करेगा, प्रोडक्ट, शिपिंग, रिटर्न, ट्रैकिंग आईडी, सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहाँ पर ये देख सकते हो ये स्मॉल आइकॉन में आपका इंडिया का जो कंट्री दिखा रहा है। अभी इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कंट्री शो कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर करेंसी आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक ऑटोमेटिक जियो लोकेशन को ऑन किया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊँ कैसे करते। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि कोई भी बंदा आता है US कंट्री से, तो उसमें क्या होगा, तो ये जितने भी प्रोडक्ट के जो भी करेंसी है वो यहाँ पर $ में शो करेंगे। अभी मैं इंडिया से आया हूँ, मैंने जियो लोकेशन ऑन किया इसलिए यहाँ पर इंडिया शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये करेंसी सभी इंडियन रुपीस में दिखा रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे किस तरह का ये पार्ट है। और उसके बाद यहाँ पर आप सुपर सेल लगा सकते हो और टाइमर लगा सकते हो, इस तरह से देख सकते हो टाइमर चल रहा है। अभी यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो और फूटर की तरफ देखोगे तो फूटर भी एक प्रोफेशनली क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आपका पूरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट मेथड और ये सभी बैनर्स को आपको रिमूव करना है तो कर सकते हो। उसके बाद आपको सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हो। एंड यहाँ पर अभी मान लो कि मैं कोई भी इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, तो अभी प्रोडक्ट दिखा दो किस तरह से सिंगल प्रोडक्ट पेज शो करता है। तो अभी सिंगल प्रोडक्ट पेज इस तरह से शो करने वाला है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में सभी प्रोडक्ट का इमेजेस, वीडियो शो करेगा। उसके बाद बीच मिडल में आपको टाइटल और लिस्ट प्राइस और प्राइस इसका कितना है और सेव कितना कर रहे हैं, और उसके बाद कलर्स भी यहाँ पर से आप देख सकते हो।
और राइट हैंड साइड में टोटल प्राइस कितना होता है, क्वांटिटी, एड टू कार्ट और फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग है, मनी बैक गारंटी और 100% सिक्योर पेमेंट। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को आपको डिलीवर नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, दूसरे के प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा प्राइस में बेच के कमीशन खाना है। और अभी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर ये इमेजेस शो कर रहा है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ भी करना नहीं है। इमेजेस के साथ साथ आपको रिव्यूज़ भी मिलते जाएंगे, तो रिव्यूज़ के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रिव्यूज़ का ऑप्शन दिखेगा, कस्टमर रिव्यूज़, अगर वहाँ पर क्लिक करोगे तो जितने भी कस्टमर के रिव्यूज़ है, उसके बाद यहाँ पर इमेजेस शो करे, वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी बंदा अगर परचेस करना चाहता है तो वो सबसे पहले रिव्यू देखेगा कि अच्छा रिव्यू है क्या नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में, और ये सब कुछ रिव्यू आप फ्री में ला सकते हो। अभी दूसरे प्लगइन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हो तो उसमें आपको पेड रिव्यूज़ परचेस करना होता है, बट इसमें यहाँ पर आप जितने चाहो उतने रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हो, तो इस तरह से आपके जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इस तरह से आपको आने वाले। तो आप समझ गए हो कि कैसे आपको ये सब कुछ करना है, और यहाँ पर अगर इस लाइन पर क्लिक करोगे तो सभी कैटेगरीज ओपन हो गए। तो ये सेम टू सेम मैंने अली एक्सप्रेस जैसा वेबसाइट मैंने बनाने की कोशिश की, और आपको भी मैं दिखाऊंगा कैसे बनाते। प्लगइन यूज़ करने वाला अली ड्रॉपशिप का प्लगइन, और आपको ये प्लगइन, दो प्लगइन मिलेगा। तो पहला प्लगइन है जो हम यूज़ करने वाले, ये अली एक्सप्रेस का फर्स्ट आइकॉन, और सेकंड प्लगइन वू कॉमर्स में आप यूज़ कर सकते हो, बट वू कॉमर्स के साथ यूज़ करोगे तो आपको ये थीम नहीं मिलेगा, अली ड्रॉपशिप वाला थीम नहीं मिलेगा जो ये थीम यूज़ करता हो, उसके लिए आपको ये फर्स्ट प्लगइन को यूज़ करना होगा। अगर आप वू कॉमर्स के साथ इस प्लगइन को यूज़ करना चाहते हो तो आप डिफॉल्ट कौन सा भी थीम यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ आप समझ गए होगे कैसे आप यहाँ पर प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप प्लगइन को ले सकते हो। अब इस प्लगइन के फीचर्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। इस प्लगइन में आपको सर्च एंड इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो अपडेटिंग, सभी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हम अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करने वाले अपने वेबसाइट पर, वो ऑटो अपडेट होते जाएगा। प्राइस ऑटोमेशन होने वाला है, मीन्स आप अली एक्सप्रेस से जितने भी प्राइस यहाँ पर शो करें, $7.59, $8.99, तो आपके वेबसाइट पर ये इतने प्राइस में नहीं बिकेगा, आप उसे डबल भाव में बेच सकते हो, डबल प्राइस, ट्रिपल प्राइस में उसे बेच सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ होते जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फॉर्मूला को डाल के ये $7 का आप जो प्रोडक्ट है उसे आप $14, $20 में सेल कर सकते हो, तो हम आगे देखेंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर आपको ऑटो ऑर्डर ट्रैकिंग मिल जाएगा, मीन्स जो भी कस्टमर इसे ट्रैक कर सकते हो ऑर्डर को। इसमें यहाँ पर आपको फ्री शिपिंग के साथ साथ आपको एक्सप्रेस शिपिंग और बहुत सारे ऐसे शिपिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। बिल्ड इन थीम्स, मीन्स थीम्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन कर सकते हो, नंबर ऑफ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप डाल सकते हो, प्रोडक्ट वेरिएशंस आपको मिल जाएगी, मीन्स सब कुछ आपको ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। वू कॉमर्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। वीक बिल्ड इन इमेज एडिटर, मीन्स आपको कोई भी इमेज को एडिट करना है इजीली कर सकते हो, यहाँ पर आपको इमेज एडिटर भी मिल जाता है। अभी मार्केटिंग के लिए आप डिस्काउंट कूपन्स बना सकते हो, प्रोडक्ट का रिव्यूज डाल सकते हो, SEO प्रोडक्ट टैग्स डाल सकते हो, उसके बाद ईमेल लिस्ट बना सकते हो। और अभी पेमेंट गेटवे की मैनेजिंग की तरफ चलते हो तो लाइव स्टैटिस्टिक देख सकते हो, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ। पेमेंट गेटवेज आपको मिल जाएगा जो कि अली ड्रॉपशिप प्लगइन में आपको मिल जाएगा, पेपाल, स्ट्राइप, पे यू मनी, रेजर पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रेजर पे और पेपाल को कैसे आप लिंक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट गेटवे के। उसके बाद फ्री अपडेट एंड सपोर्ट मिल जाएगा, कैशबैक सिस्टम मिल जाएगा, ऑल इन वन डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो अभी आप दूसरा प्लगइन की तरफ देखो ही मत, क्योंकि आपको सभी जितना भी फीचर्स आपको सिंगल प्लगइन में ही मिल जाता है, आपको थीम भी यहाँ पर फ्री में मिल जाता है, क्योंकि $89 में ये वर्थ है, क्योंकि इस $89 में आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको दूसरे किसी भी प्लगइन में नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप कौन सा भी थीम परचेस करोगे तो आपको $60-$70 में मिलेगा, और साथ में आपको $50-$60 में दूसरे प्लगइन, मतलब पूरा मिला के आपको सिर्फ वर्डप्रेस एक ई कॉमर्स थीम वेबसाइट बनाने के लिए आपको $150-$160 का प्लगइन और थीम परचेस करना होता है। बट इस प्लगइन में आपको, इस प्लगइन की खास बात है कि आपको $89 में आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप अगर प्रोडक्ट पर जाते हो और थीम्स पर क्लिक करते हो तो आपको थीम्स भी बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं। तो अभी आप थीम्स पर देखो, यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में थीम दिखेगा वो पेड थीम है, बट आपको जस्ट नीचे स्वाइप कर लेना है तो यहाँ पर आपको फ्री थीम्स भी मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली जो फ्री थीम है उसे आप जो जरूरी यूज़ कर सकते हो, बट हम यहाँ पर दाविंशी का थीम यूज़ करने वाले, तो इस थीम को आपको जस्ट क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो थीम को, और डेमो भी चाहे तो आप देख सकते हो यहाँ से। सो गाइस, आपको सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, तभी यहाँ पर से सबसे पहले हम थीम को इंस्टॉल करेंगे, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले डाविंशी का ये थीम, जो कि फ्री थीम है।
अगर आप चेंज करना चाहते हो, दूसरा थीम यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको फ्री थीम मिल जाएगा। तो मैं इसे जस्ट डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर थीम्स के अपियरेंस के सेक्शन पर जाऊँगा, थीम्स पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर से आपको एड न्यू पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपलोड थीम पर क्लिक करें और चूज करिए फाइल जो आपने डाउनलोड किया है। तो मैंने डाविंची का थीम का फाइल मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करिए। अभी यहाँ से आपको जस्ट एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से आप सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश कर दीजिए और यहाँ से हमें जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद आप वापस से एक बार साइट को चेक कर लीजिए कि आपका किस तरह से साइट शो हो रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ एक्टिवेट ड्रॉपशिप प्लगइन, तो हमें यहाँ पर ड्रॉपशिप प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लगइन पर जाते हैं, एड न्यू पर क्लिक करिए और यहाँ से अपलोड प्लगइन पर क्लिक करके चूज फाइल पर क्लिक करिए। तो आपको दो तरह के फाइल्स मिलने वाले जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी ये जो दो फाइल है उसमें क्या चेंजेस है कि जो पहला फाइल है वो हमें यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा, जो सेकेंड फाइल है वो WooCommerce के लिए, अगर आप WooCommerce यूज़ करते हो और दूसरे डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ करते हो तो आप इस प्लगइन को जा सकते हो। अभी मैं यहाँ पर इस अली ड्रॉपशिप का थीम और प्लगइन दोनों चूज़ करने वाला हूँ और यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करिए। तो हम इस प्लगइन की मदद से हम थीम्स और प्लगइन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड प्लगइन की मदद से आपको WooCommerce के लिए आप उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, बट आपको डिफ़ॉल्ट दूसरा कौन सा थीम यूज़ करना होगा। अभी यहाँ पर से एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको टॉप पर देख सकते हो अली ड्रॉपशिप, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर से आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो अली ड्रॉपशिप प्लगइन यू यूज़ द आउटडेटेड वर्जन, तो मुझे अपडेट करना होगा तो मैं बाद में कर लेता हूँ। तो आपको जस्ट सबसे पहले लाइसेंस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपका जो भी लाइसेंस की है वो डाल दीजिए। तो मैं पहले से इसे डाल चुका हूँ और एक्टिवेट पर क्लिक कर लीजिए, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस हैज बीन एक्टिवेटेड। अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो लाइसेंस की यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ सिंगल वेबसाइट के लिए है, आप उसे मल्टीपल वेबसाइट के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। आप मेरे स्क्रीन पर ये लाइसेंस की देख रहे हो, आप उसे अगर यूज़ करो डालोगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट के लिए चाहिए तो आपको मल्टीपल लाइसेंस की वाला प्लगइन को परचेज करना होगा। अब वापस से हम इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा जो भी हमने यहाँ पर देखा था इस पेज पर जो थीम है ये वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको शो हो रहा है, देख सकते हो। बट हमने कोई भी प्रोडक्ट को अभी तक ऐड नहीं किया है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना वर्डप्रेस का पेज अली ड्रॉपशिप के साथ कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए अभी सेकेंड थिंग आपको क्या करना होगा, जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन किया उसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी आप पर सेकेंड थिंग आपको क्या करना होगा, क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर लीजिए अली ड्रॉपशिप क्रोम एक्सटेंशन और जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको जो क्रोम एक्सटेंशन मिलेगा उसे डाउनलोड करने के बाद हमारे वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट करना होगा, ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं वन क्लिक में। तो ऐड हो जाने के बाद अभी आपको टॉप पर आइकॉन शो करेगा, तो जस्ट आपको अभी क्या करना होगा, वापस से लाइसेंस पर आ जाना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना है इस आइकॉन पर और यहाँ से हमारा जो डोमेन नेम है डोमेन का URL उसे डालना होगा। तो जस्ट इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ और ऐड पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फेच कर देगा, आपको जस्ट ऑथराइज पर क्लिक कर लेना है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब कुछ आपको करना ही होगा, अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर एरर भी आ सकता है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप पर अली ड्रॉपशिप लिखा है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, इंपोर्ट ऑर्डर्स रिपोर्ट्स सेटिंग्स एडऑन्स मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। तो इसका डैशबोर्ड का इंटरफेस देख सकते हो, सब कुछ आपको पूरे डिटेल में पता चलेगा, उसका ऑर्डर्स रेवेन्यू विजिटर्स प्रोडक्ट्स। तो अभी हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। अभी आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, तो ऐड करना ईजी है, आपको जस्ट प्रोडक्ट्स पर आना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट रिव्यूज इंपोर्ट सप्लायर्स और मोर प्रोडक्ट इंपोर्ट्स का गेट मोर इंपोर्ट्स भी आता है। उससे पहले हम यहाँ पर कैटेगरीज को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट को तो ऐड कर लेंगे उसके बाद हमें कैटेगरीज के लिए पूरा प्रॉब्लम होगा, इसलिए सबसे पहले आप कैटेगरीज को क्रिएट करें।
तो आपको प्रोडक्ट पर आ जाना है और प्रोडक्ट कैटेगरीज पर क्लिक कर लेना है। तो इसके लिए आपको वूकॉमर्स की भी जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा अगर आप अली ड्रॉपशिप यूज करते हो। उसके नीचे यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन में भी और बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी जो कि आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरीज पहले क्रिएट करके रखा हूँ, जो जो कैटेगरीज मुझे प्रोडक्ट को ऐड करना है उसके हिसाब से। तो होम डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पर होम डेकोरेशन एसेसरीज का एक कैटेगरी क्रिएट हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी हुआ। अभी मुझे इसके अंदर और ऐसे कैटेगरीज बनाना है, फॉर एग्जांपल होम डेकोरेशन के अंदर वॉल क्लॉक्स, फिर बाद में वॉल स्टिकर्स। तो अभी ये वॉल क्लॉक्स को मुझे होम डेकोरेशन के अंदर डालना है इसके नीचे। तो क्या करना होगा, जस्ट आपको पेरेंट कैटेगरी में सर्च करना होगा, आपको होम डेकोरेशन को सिलेक्ट करना है और एड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है। तो उसी तरह यहाँ पर आप पेरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं फटाफट ये सब कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वॉल स्टिकर्स का ऑप्शन आ जाता है। अभी यहाँ पर हम दूसरे कैटेगरीज की तरफ देखते हैं, तो मोबाइल फोन एसेसरीज। तो अभी ये सब कुछ मैं फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में हम आगे का देखेंगे। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर सभी कैटेगरीज को ऐड कर चुका हूँ। देख सकते हो ब्यूटी एंड हेल्थ के यहाँ पर कैटेगरीज बनाया हो, फिर बाद में स्किन केयर टूल्स। तो इस तरह से आप कैटेगरीज बना सकते हो जितने चाहो। तो हमारा कैटेगरी का सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स पर जाते हैं, एक मिनट। अभी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा ऑल आइटम्स, तो वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अभी देख सकते हो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है और हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पर भी कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद डिजाइनिंग का देखेंगे। तो आपको अली एक्सप्रेस पर जाना नहीं है डायरेक्टली, आपको सिंपली जस्ट अली ड्रॉपशिप पर क्लिक करना है। इंपोर्ट का सेक्शन है, वहाँ पर जाना है और इंपोर्ट प्रोडक्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो इसकी एक खास बात है अली ड्रॉपशिप प्लगइन की कि यहाँ पर से आप रिव्यूज को भी रेटिंग्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि आपको दूसरे प्लगइन में ये फैसिलिटीज नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस पर क्लिक करना है। तो अली एक्सप्रेस के पेज पर आने के पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर साइन अप कर लेना है। तो मैं साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर चुका हूँ। तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लॉग इन आप कर लीजिए। तो यहाँ पर साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप पर देख सकते हो, टू स्टार्ट इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन टू योर स्टोर प्लीज गो टू अली एक्सप्रेस कैटेगरी और प्रोडक्ट पेज। मीन्स यहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज को ओपन करना होगा कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट करना सबसे इजी है क्योंकि दूसरे प्लगइन के मुकाबले ये सबसे बेस्ट प्लगइन आता है इंपोर्ट करने के लिए। इसमें यहाँ पर आपको रेटिंग्स रिव्यू सब कुछ आपको इंपोर्ट करके देगा, वो भी वन क्लिक में, आपको कोई भी मैन्युअली करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर फिटनेस सर्च कर लेता हूँ। फिटनेस सर्च करने के बाद आप टॉप पर देख सकते हो क्योंकि मैं ये कैटेगरी पेज पर आ चुका हूँ। तो टॉप पर आपको आपके वेबसाइट का नेम शो करेगा और साथ में यहाँ पर आपको एसेसरीज शो करेगा कि आपको इस जितने भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर गए हो कौन से कैटेगरी में लिस्ट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिटनेस लिखा हूँ, मीन्स यहाँ पर जो भी एसेसरीज में, चलो मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर एसेसरीज के लिए देख लेते कि कौन से एसेसरीज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे इसे डालना है मेरे प्रोडक्ट इस पर, तो मैं यहाँ पर जस्ट प्लस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट पर मेरे प्रोडक्ट सेक्शन पर चला जाएगा। अभी इस प्रोडक्ट को मैंने ऐड कर चुका हूँ, उसके बाद मैं और प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अभी और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हो सेटिंग्स का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा कौन सा कंट्री आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को सिलेक्ट किया हो, तो यहाँ पर से आपको यूनाइटेड किंगडम मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है। और यहाँ से मैंने फ्री शिपिंग को सिलेक्ट किया हो, यहाँ पर आपको दूसरे भी सभी शिपिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फ्री शिपिंग के ऑप्शन आपको जरूर यूज़ करना चाहिए ताकि जो भी कस्टमर आते हैं उसे फ्री शिपिंग मिले। तो उससे क्या होगा कि आपके भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो आपको जो ग्रीन में शो कर रहा है फ्री शिपिंग, वो सभी फ्री शिपिंग प्रोडक्ट है, तो आप उसे जरूर यूज़ कर सकते हो। और कोई दूसरे प्रोडक्ट में अगर फ्री शिपिंग का ऑप्शन नहीं आता है तो आप उसे लीव कर सकते हो। और अभी मैंने जितने भी प्रोडक्ट को ऐड किया अभी मुझे उसके मेरे वेबसाइट पर लिस्ट कर लेना है।
तो अभी जस्ट मैं इम्पोर्ट 36 जो ये 6 प्रोडक्ट है उसे मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इम्पोर्ट हैज बिगेन, चेक योर इम्पोर्ट लिस्ट लेटर फॉर योर प्रोग्रेस। तो अभी मैं यहाँ पर से देख लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ये इम्पोर्ट होते जा रहा है सभी प्रोडक्ट। पर इसका एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपने इम्पोर्ट पर क्लिक कर लिया है बट यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट है वो सभी प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पर आ चुके हैं, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट को ऐड किया था वो भी साथ में आएंगे और प्लस 36 आइटम्स भी साथ में आएंगे। तो इसका एक ये प्रॉब्लम है, जो कि आपको पूरे प्रोडक्ट को ऐड करना है तो उसके लिए अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली सभी प्रोडक्ट को वन क्लिक में ऐड कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये शो करेगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, देख सकते हो 36 प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। अभी मैं इसे वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सभी आ चुके हैं एक साथ ही। अभी मुझे यहाँ पर 36 प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं चाहिए, अभी मुझे इसे पूरा क्लीन करना है, मुझे सिर्फ 10 से 15 प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे इतना प्रोडक्ट का क्या काम। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैं 20 प्रोडक्ट को चलो मैं निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा जो कि सबसे इजी मेथड है और उसकी मदद से आप सभी प्रोडक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। क्योंकि अली ड्रॉपशिप प्लगइन में यहाँ पर आपको इमेज एडिटर का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। तो ये था हमारा, यहाँ पर मैंने बताया कैसे आप सभी प्रोडक्ट को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं ये सभी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूँ बट इसका प्राइस बहुत ही कॉस्टली है। तो ये सभी प्रोडक्ट को ऐड करने का कुछ फायदा नहीं क्योंकि आप कॉस्टली प्रोडक्ट को मत ऐड करिए, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप। तो उससे क्या होगा कि आपको कस्टम ड्यूटी चार्जेस लगने का चांसेस हो जाता है क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट आउटसाइड कंट्री से आ रहे हैं। तो अगर आपके आपने कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तो उसमें क्या शिपिंग होके आएगा सभी प्रोडक्ट, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कस्टम ड्यूटी चार्जेस लगने के लिए। तो आप जितने हो सके उतने मतलब सस्ते प्रोडक्ट को ऐड करिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर होम डेकोर एंड एसेसरीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कौन सा भी डेकोरेशन के सभी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इसके प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो सबसे चीप है प्राइस और आप इसे इजीली सेल कर सकते हो और आपको ये फ्री शिपिंग भी साथ में मिलता है। तो मैं यहाँ पर से ये एक प्रोडक्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ। अभी ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पर ऐड हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं, आपको जस्ट प्लस पर अगर आपने एक बार क्लिक कर लिया तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अभी ये प्रोडक्ट है तो मैं वापस से ऑल आइटम्स पर क्लिक कर लेता हूँ तो अभी ये दूसरे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। आपको जस्ट प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और आपके सभी प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगी आने को। तो ये सिंपल सा था ऐड करने का प्रोसेस। तो अभी मैं दूसरा मेथड भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर से मान लो कि मुझे ये प्रोडक्ट को ऐड करना है तो मैं जस्ट वहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है जो पहले मेथड से। तो यहाँ पर से आप सबसे पहले देख सकते हो इसका रिव्यूज कितना है, कितने लोग ने ऑर्डर किया है, उसका रेटिंग, सब कुछ आपको एक बार देख लेना है और इसमें क्या क्या आपको और कलर्स मिलने वाले वो सब कुछ देखिए, आपको रेटिंग्स भी कैसे देखना है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी आपको टॉप पर मिल जाएगा एसेसरीज ऑफर वॉलमार्ट और इंपोर्ट का ऑप्शन। तो अभी मुझे यहाँ पर इसे होम डेकोर एंड एसेसरीज पर डालना है तो जस्ट मैं यहाँ पर से होम डेकोर एंड एसेसरीज को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा या फिर एडिट पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं अगर एडिट पर क्लिक कर लेता हूँ तो उससे पहले आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जहाँ से आप सब कुछ एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो सबसे पहला आता है कैटेगरीज, तो आपको जो कैटेगरीज यहाँ पर मिला है होम डेकोरेशन उसे मैंने डाला हूँ। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो यहाँ पर से आप टेक्स्ट डालकर कौन सा भी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो मैं कौन सा भी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आपको फोटोज को चेंज करना है, रिमूव करना है तो आप कर सकते हो रिमूव, फोटो के साइज को स्मॉल करना है तो कर सकते हो। अभी नीचे आप देख सकते हो जितने भी गैलरीज है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अभी मान लो कि आपने कोई भी प्रोडक्ट को ऐड किया इमेजेस और यहाँ पर उसका वॉटरमार्क आ रहा है, लोगो आ रहा है, तो उसे आपको रिमूव करना है तो जस्ट आपको पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है तो आपको एक इमेज एडिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, इरेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट को इरेज करना चाहते हो कर सकते हो, तो अभी इसमें कोई भी वॉटरमार्क नहीं है। उसके बाद आपको प्राइसिंग का दिखाएगा कि इसका कितना सेल प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस है, तो हम प्राइसिंग का भी देखेंगे। अभी हमें यहाँ पर ये इतने ही प्राइस में नहीं बेचना है, हमें इसे $5 $6 में बेचना है, इतने प्राइस में हमें बेचना है। तो सब कुछ आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। अभी ये हम मुझे यहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है
तो मैं जस्ट पब्लिश पर या फिर इंपोर्ट एड टू इंपोर्ट लिस्ट पर क्लिक करूंगा, तो आप बाद में भी इसे पब्लिश कर सकते हो, वरना पब्लिश पर क्लिक कर लीजिए। तो ये आपका पब्लिश हो चुका है, अभी मैं इसे वापस से ऑल आइटम्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी जो मैंने कैटेगरीज इसे चेंज करना भूल गया, तो ये भी होम डेकोरेशन का ही कैटेगरीज है। अभी ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद वापस से हमारे जो वेबसाइट है हमारा, उसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट इसमें ऐड हुए हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी प्रोडक्ट यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये लोड हो रहा है, तो ये लोड होने के बाद यहाँ पर जो भी इमेजेस है वो सब कुछ शो करेगा, इसके प्राइस ये सब कुछ शो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट को ऐड किया वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। प्लस अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ तो प्रोडक्ट यहाँ पर शो करेगा, उसके साथ उसका वीडियोस, इमेजेस और उसके प्राइस वैल्यू वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। और ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर सकता है, और उसके बाद नीचे आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कस्टमर का रिव्यूज मिल जाएगा और साथ में अबाउट अस ये सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ये सभी इमेज को, कौन सा भी इमेज को डिलीट करना है तो आप इजिली कर सकते हो, वरना आप एज इट इज रिमेन लेने दो। तो ये सिंपल था इजी वे में आप यहाँ पर सभी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। देख सकते हो कितने सिंपल और इजी वे में ऐड किया हो। अभी एक मेरा वेबसाइट जो भी लग रहा है एक प्रोफेशनली ई कॉमर्स वेबसाइट लग रहा है, जैसे कि अली एक्सप्रेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह का ये शो कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी यहाँ पर मैन्युअली किया नहीं, सब कुछ ही ऑटोमेटिकली हो गया है। आपको सब कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर 20 प्रोडक्ट 1 मिनट के अंदर ऐड कर चुके हैं। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपीयरेंस पर जाना है, मेन्यूज पर क्लिक करना है। अभी जितने भी आपने मेन्यूज बनाए वो सभी हमने होम पेज पर दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर जो होम पेज पर मैं पहले चला जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है, तो मुझे ये सब कुछ चेंज करना होगा। तो आप होम पेज पर जाकर सबसे पहले यहाँ पर मेन मेन्यू डाल दीजिए और हमें क्रिएट करना होगा मेन्यू। अभी देख सकते हो ऑटो ऐड पेज, ऑटोमेटिकली हमें ऐड नहीं करना होगा। अभी डिस्प्ले लोकेशन देना होगा आपको, टॉप मेन्यू, मेन मेन्यू, फुटर, फुटर में हमें मेन मेन्यू को सिलेक्ट करना है और क्रिएट पेज पर क्लिक कर लीजिए। तो हमारा एक मेन मेन्यू हमें क्रिएट करना होगा। तो अभी मेन मेन्यू के लिए हमें यहाँ पर जितने भी हमने कैटेगरीज को क्रिएट किया है वो सभी कैटेगरीज को हम यहाँ पर डालेंगे, ताकि कोई भी यूजर आता है, कोई भी प्रोडक्ट को देखता है तो वो डायरेक्टली जाकर उस कैटेगरीज पर क्लिक कर सकते हैं। अभी व्यू ऑल पर क्लिक करें, प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो जितने भी यहाँ पर जो कैटेगरीज है उसे यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो मेन कैटेगरीज है उसे मैंने यहाँ पर ऐड टू मेन्यू कर दिया हूँ। तो अभी मुझे इसे प्रॉपरली एडजस्ट करना होगा, तो मैं सेव कर लेता हूँ। अभी चेक करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली आया है क्या नहीं। अभी देख सकते हो यहाँ पर ये जो मेन्यूज मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पर शो कर रहा है। अभी मान लो कि मुझे इसके अंदर जो ये होम डेकोरेशन एसेसरीज के अंदर मुझे यहाँ पर एक मिनट, व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं, होम डेकोरेशन के अंदर मुझे वॉल क्लॉक्स और वॉल स्टिकर्स डालना है। तो मैं ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करूँगा और इसको मैं उसके अंदर डाल दूंगा, जो इस तरह से आपको करना है। तो उसी तरह आपको अभी मोबाइल फोन एसेसरीज का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर मोबाइल कवर, मोबाइल चार्जर, मोबाइल ट्राइपॉड, इस तरह से आपको सभी को टिक करना है और मोबाइल फोन के एसेसरीज के अंदर डाल देना होगा। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सबसे पहले सभी प्रोडक्ट को डाल देता हूँ। अभी आप पता चल गया रहेगा कि कैसे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, कैसे आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल सा काम है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको दूसरे सभी सेटअप सेटिंग्स के बारे में दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और कैसे पेमेंट प्रोसेस करते, कैसे पेमेंट को अटैच करते, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद सेव मेन्यू पर क्लिक कर लीजिए और इस पेज को भी रिफ्रेश कर लीजिए, आपके मेन पेज को। उसके बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमने होम डेकोरेशन पर होवर किया, उसके बाद क्लॉक्स, फिर बाद में वॉल स्टिकर्स आ गए, फिर मोबाइल मेन्यूज पर भी, मोबाइल फोन्स पर क्लिक करने के बाद दूसरे मेन्यूज ओपन हो गए। इस तरह से ये आप, जैसे कि हम यहाँ पर अली एक्सप्रेस में कैसे होता है उसी तरह से
थीम ओपन हो गया है और आप कैटेगरीज बनाओगे तो यहाँ पर नीचे शो करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने सभी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर चुका हूँ अली एक्सप्रेस से, तो और प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना है तो जस्ट आपको प्लस पर क्लिक करना है और इम्पोर्ट हो जाएगा। बट अभी सभी प्रोडक्ट मेरे पब्लिश नहीं हुए, सिर्फ मैंने दो प्रोडक्ट को पब्लिश किया और सभी प्रोडक्ट अभी प्राइवेट में है। तो आपको एक एक करके अगर आप पब्लिश करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी प्रोडक्ट को एक साथ ही पब्लिश कर सकते हो। उससे पहले अभी हमारे वेबसाइट पर देख सकते हो सभी प्रोडक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं, अभी फिर भी हमने यहाँ पर पब्लिश नहीं किया फिर भी शो कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लॉगिन डैशबोर्ड पर है इसलिए यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर आप इसे इनकॉग्निटो विंडो पर ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ जितने प्रोडक्ट को आपने पब्लिश किया वही दिखा रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट को पब्लिश किया था वो दिखा रहे यहाँ पर से। और अभी हमें यहाँ पर सभी प्रोडक्ट को पब्लिश करना होगा। उससे पहले इस प्लगइन की खास बात है कि यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली सभी प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो। आप यहाँ पर अली एक्सप्रेस से कोई भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाएगा, बट मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया हो। तो उसका मतलब मेन रीज़न है कि आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को पब्लिश करते हो उससे पहले उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, परमालिंक, इमेजेस, उसमें अगर आप कुछ एडिटिंग करोगे तो उसके लिए आपके लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे इससे क्या होगा कि आपके SEO में भी अच्छा अफेक्ट होगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे तो आपके SEO में आपको कुछ फ़ायदा नहीं फिर प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट रैंक ही नहीं होगे फिर गूगल पर। तो उससे पहले आपको यहाँ पर टाइटल इतना बड़ा मुझे रखना नहीं, तो मैं प्रोडक्ट पर आपको कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करके सबसे पहले टाइटल को चेंज करना होगा, तो मुझे इतना बड़ा टाइटल नहीं रखना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ से थोड़े यहाँ से मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, जो पार्ट नहीं चाहिए आप उसे रिमूव कर दीजिए। ओके, तो इसी से मैं वापस इसे कॉपी कर लेता हूँ और मेरे परमालिंक में भी डाल देता हूँ, इतना बड़ा आपको परमालिंक भी नहीं रखना है। तो इस तरह आप यहाँ पर टाइटल को चेंज कर सकते हो और मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो यहाँ से आप कुछ कोई भी डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। और यहाँ से कैटेगरीज को अभी मैं सिर्फ एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आपको जो इमेज चाहिए वही इमेज रखो, वरना आप दूसरे इमेज को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इसका लोगो आ रहा है, आइकॉन आ रहा है, तो मुझे आइकॉन को रिमूव करना है। तो जस्ट आपको पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक कर लेना है और उससे आपको एक इमेज एडिटर ओपन हो जाएगा और आपको इरेज के सेक्शन पर आना है। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ से कोई भी इमेज को इरेज कर सकते हैं। अभी देख सकते हो ये पार्ट यहाँ पर से रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह आप यहाँ पर इमेज के जो भी वाटरमार्क होते हैं, जो लोगो होते हैं, उससे यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हो और सेव कर सकते हो। तो ये कितना सिंपल था, इस प्लगइन की मदद से आपको इमेज एडिटर भी मिल जाता है। अभी आप नीचे स्वाइप कर लोगे तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट के सभी ऑप्शंस मिलते जाएंगे, जो कि आप जनरल पर आपको आ जाना है। तो यहाँ से आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो कौन से करेंसी है, उसके बाद प्राइस का यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा और रेट, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ रिमेन रहने देना है। और अभी आपको एट्रीब्यूट्स पर आ जाना है, तो एट्रीब्यूट्स में जितने भी प्रोडक्ट के यहाँ पर इमेजेस है वो यहाँ पर शो करेंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हो और, तो हमारे पास सिर्फ वाइट और रोज़ गोल्ड है तो और ऐड नहीं करना चाहते। उसके बाद वेरिएशंस में आप आओगे तो यहाँ पर जितने भी वेरिएशंस क्रिएट है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। शिपिंग की बात करते तो शिपिंग में आपको दो ऑप्शन मैंने चूज़ किया हो, फ्री शिपिंग और एक्सप्रेस शिपिंग। तो मैंने एक्सप्रेस शिपिंग में अभी तक कॉस्ट को डाला नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। आइटम स्पेसिफिक में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा कि ब्रांड नेम क्या है, ओरिजिन कहाँ से है, ये सब कुछ आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, ऐसे एज इट इज़ रिमेन रहने दो। उसके बाद आपको आ जाना है अपडेट पर चले जाते हैं। तो अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सभी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो। गैलरी में जितने भी प्रोडक्ट के गैलरी इमेजेस है वो यहाँ पर से आप शो देख सकते हो और यहाँ से डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। तो मैंने पहले इमेज को यहाँ से उसका वाटरमार्क रिमूव कर चुका हूँ, तो आप सभी दूसरे भी इमेज के वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हो। और उसके बाद मैं रिव्यूज़ के ऑप्शन पर चला जाता हूँ। तो रिव्यूज़ में क्या होता है कि आप इम्पोर्ट कर सकते हो रिव्यूज़ को जितने चाहो उतने, आपको यहाँ पर अप टू 20 से लेकर 100 रिव्यूज़ को आप इम्पोर्ट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आप 5-star 4-star रेटिंग्स वाली रिव्यूज़ को इम्पोर्ट कर सकते हो, साथ में आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे। वो मैं ऑटोमेटिकली कैसे करते वो दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट का एडिटिंग हो चुका है, अभी मुझे और कुछ चेंजेस नहीं करना है, जस्ट इसे मैं पब्लिश कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप एक एक करके पब्लिश करोगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। उसमें टाइम बचाने के लिए मैं आपको जस्ट क्या करना होगा, सबसे पहले मैं मेन पेज पर आ जाता हूँ, ऑल आइटम्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, वापस से देख लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट आया है क्या नहीं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर ये प्रोडक्ट शो कर रहा है, हम अभी जस्ट हमने पब्लिश किया था।
तो इसी तरह आप यहाँ पर एडिट करके पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है टाइटल को चेंज करना। इतना बड़ा टाइटल आपको रखने की भी जरूरत नहीं, और परमारिंग भी आपको इतना बड़ा नहीं रखना है। तो आप अगर थोड़ा टाइम दोगे और थोड़ा मतलब एडिटिंग में टाइम दोगे तो आपके लिए ही अच्छी बात है, जो कि प्रोडक्ट के SEO के लिए अच्छी बात है। तो अभी आपको क्या करना होगा, जस्ट अली ड्रॉपशिप का जो टॉप पर ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है, इंपोर्ट पर आ जाना है और इंपोर्ट रिव्यूज़ पर क्लिक कर लेना है। तो हम अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट रिव्यूज़ करके देखते हैं। तो अभी हमें इंपोर्ट रिव्यूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आप अली एक्सप्रेस से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके डायरेक्टली पब्लिश कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले इंपोर्ट प्रोडक्ट पर आ जाना है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अली एक्सप्रेस के वेबसाइट पर चले जा सकते हो, वरना आपको यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट सेटिंग्स पर जाना है, पब्लिश प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेना है। बस इतना ही चीज़ करना है आपको, तो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट आपको वापस से प्रोडक्ट्स के सेक्शन पर आना है, ऑल आइटम्स पर क्लिक करिए। तो इस मेथड की मदद से आपको डायरेक्टली आप सभी प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो। तो आपको जस्ट इस बॉक्स को चेक टिक कर देना है, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट हो गए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट इस पेज पर 20 और नेक्स्ट पेज पर 20 है तो उसके लिए आपको पहले स्क्रीन ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आप इसे 50, 100 कर दीजिए, 200, 300 भी आप कर सकते हो, और अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक ही पेज में सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे, और बल्क एक्शन पर जाना है और एडिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर से आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस पर जाना है और इसे पब्लिश्ड पर क्लिक करिए और अपडेट कर दीजिए। तो जितने भी प्रोडक्ट है वो सभी पब्लिश हो जाएंगे। तो इसे थोड़ा कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मेरे वेबसाइट पर 44 प्रोडक्ट है, तो देख सकते हो 44 प्रोडक्ट पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं वापस से इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो अभी देख सकते हो सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसी तरह आप सभी प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो, वो भी वन सिंगल क्लिक में। तो अभी हम चलते हैं रिव्यूज़ की तरफ, क्योंकि रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इस पहले प्रोडक्ट में रिव्यूज़ डाला था 20, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे सभी प्रोडक्ट पर कैसे डालते हैं। तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, वरना आप एक एक प्रोडक्ट पर जाकर भी मैन्युअली मीन्स आप एक एक प्रोडक्ट पर जाकर सभी रिव्यूज़ डाल सकते हो, वरना आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। अली ड्रॉपशिप के ऑप्शन पर आ जाना है और इंपोर्ट पर जाकर रिव्यूज़ पर क्लिक कर लीजिए, इंपोर्ट रिव्यूज़। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा सेटिंग्स करना होगा कि आपको रिव्यूज़ में कितने स्टार रेटिंग्स चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कितने रिव्यूज़ आपको आपके वेबसाइट पर रखना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इतने सारे रिव्यूज़ मत रखें, क्योंकि एक प्रोडक्ट में आपको 1000-2000 रिव्यूज़ आएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट है उसका लोड हैवी हो जाएगा और ओपन होने में भी टाइम लगेगा। तो आप मुश्किल से मिनिमम 20 रखिए रिव्यूज़, ऑल कैटेगरीज पर ही आप सेव रहने दो, और इम्पोर्ट ओनली फॉर प्रोडक्ट्स दैट हैव रिव्यूज़ लेस देन। इस पर अगर आपको टिक करना है तो कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर, तो अभी इसे मैं नहीं टिक करता हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हो सेंड रिव्यूज़ टू ड्राफ्ट, मीन्स कौन सा भी रिव्यूज़ अभी कोई भी प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करते हो अली एक्सप्रेस से, तो उससे क्या होगा कि वो रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। अगर आप उसे पहले ड्राफ्ट में रखना चाहते हो और आप वन बाय वन सभी कमेंट्स को रीड करके अप्रूव करना चाहते हो, तो आप इसको टिक कर सकते हो। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसे रिव्यूज़ दूसरे लैंग्वेज में होते हैं, उसके बाद ऐसे गलत रिव्यूज़ भी डाल देते हैं, तो उससे आपके ही प्रोडक्ट को अफेक्ट होगा। तो आप उसे ड्राफ्ट में रख के बाद में भी उसे पब्लिश कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए इसको ड्राफ्ट में नहीं रखने वाला हूँ। और सिलेक्ट कंट्री, तो कंट्री के लिए मैं सभी कंट्री को एज इट इज़ रिमेन रहने देता हूँ। सभी कंट्री आप सिलेक्ट करिए, और जितने भी कंट्रीज़ है उसका अगर मान लो कि कोई भी लैंग्वेज चाइनीज़ में है या फिर कोई भी दूसरे लैंग्वेज में है, तो आप वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप उसे एज इट इज़ रहने दो। उसके बाद आएगा रिमूव इमेज इन रिव्यूज़, तो आप मत करना, क्योंकि जो भी रिव्यूज़ में इमेजेस आएगा वो हमें चाहिए, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है क्या नहीं, और पब्लिक जो भी परचेस करता है वो मतलब प्रोडक्ट का फोटोज़ तो साथ में देता ही है। अभी ये सब कुछ हो जाने के बाद देख सकते हैं इम्पोर्ट रिव्यूज़ विथ इमेजेस ओनली। तो अभी ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको जस्ट इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। तो और यहाँ पर क्या आ रहा है, अपडेट, अभी अपडेट द डेट्स ऑफ रिव्यूज़, तो आपको कितने मंथ्स का रिव्यूज़ चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वरना एज इट इज़ रिमेन रहने दो, और इम्पोर्ट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर और एक ऑप्शन भी आता है, स्किप रिव्यूज़ विथ कीवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी रिव्यूज़ अगर बैड ऐसा गलत चीज़ बोला रहेगा तो आप उसका यहाँ पर कीवर्ड्स डाल सकते हो, तो जो भी रिव्यूज़ के अंदर ये वो चीज़ यूज़ किया होगा वो स्किप कर देगा वो रिव्यूज़ को। बट अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिव्यूज़ दे रहा है,
तो ये अभी तक प्रोग्रेस हो रहा है, अभी 0% हुआ है, तो इसे कुछ टाइम लगेगा क्योंकि एक एक करके सभी रिव्यूज को ये यहाँ पर अलाउ करेगा। तो अभी ये एक था ऑटोमेटिकली कैसे आप सभी रिव्यूज को ला सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको मैन्युअली सभी एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके रिव्यूज़ को अलाउ नहीं करना है। इससे सभी प्रोडक्ट जितने भी आपके वेबसाइट पर प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट को एक साथ ही रिव्यूज़ डाल देगा, कमेंट्स डाल देगा, सब कुछ एक साथ ही कर देगा। तो एक इसका ये अच्छी बात है इस प्लगइन का कि आपको रिव्यूज़ भी साथ में देता है। अगर आप दूसरे प्लगइन की तरफ चलते हो, दूसरे आप ड्रॉप शिपिंग प्लगइन को यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको सभी मतलब कुछ भी रिव्यूज़ भी चाहिए रहेगा, दूसरा कुछ भी ऑप्शन के लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिफाई यूज़ करते हो तो आप इतने रिव्यूज़ के लिए आपको इतना पैसे देना पड़ता है, इतने 20-40 रिव्यूज़ के भी आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है। बट इसमें आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। इस प्लगइन में आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, सपोर्ट से, अपडेट से, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये कंप्लीट हो जाने के बाद कि कैसे आप सभी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट्स कर सकते हो, क्योंकि अली एक्सप्रेस में जितने भी प्रोडक्ट है वो अपडेट होते जाते एवरी मंथ या फिर डेली का, वीकली का अपडेट होते। तो आप कैसे उस अली एक्सप्रेस के जितने भी प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया वो कैसे आप आपके वेबसाइट में भी अपडेट कर सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक चीज़ का और ध्यान रखने का है कि यहाँ पर आप देख सकते हो 0 रिव्यूज़ दिखा रहा है। डेट मीन्स इस प्रोडक्ट पर अभी तक किसी ने भी रिव्यूज़ नहीं दिया है, कोई ने ऑर्डर नहीं किया है। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, उस प्रोडक्ट को आपको डिलीट कर देना है क्योंकि उस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ नहीं है, ज़्यादातर सोल्ड भी नहीं हुआ, तो ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। और जिसमें ज़्यादा रिव्यूज़ है और कम प्राइस में है और उसका रेटिंग्स भी अच्छा है, उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करिए। अभी जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो टॉप वाला है उसमें देख सकते हो 1390 ऑर्डर्स है और उसमें 15 रिव्यूज़ है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट 100% बिकने वाला प्रोडक्ट है, और जो बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं आप उसे डिलीट कर सकते हो। क्योंकि अभी अली एक्सप्रेस में क्या होता है कि आप यहाँ पर इस कैटेगरी इस पेज पर आ जाते हो, तो अगर आप इंपोर्ट पर क्लिक करते हो तो जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट वेबसाइट पर लिस्ट हो जाते हैं। तो अभी आपको ऐसा करना नहीं है, ये फर्स्ट मेथड को आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। आप एक एक करके सभी प्रोडक्ट को यहाँ पर से प्लस पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं जाएगा, थोड़ा ही कुछ टाइम जाएगा। और सेकेंड मेथड भी आता है कि अभी मान लो कि मुझे ये वाला एक वॉच का मुझे इस प्रोडक्ट को मुझे ऐड करना है, तो उस प्रोडक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है सबसे पहले। तो इसका आप पहले रेटिंग्स देख लीजिए, प्राइस देख लीजिए और इसका इमेजेस, और उसके बाद नीचे स्वाइप करने के बाद आप उसका रेटिंग्स ये सब कुछ जरूर देखना होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट 100% बिकने वाला है क्या नहीं। तो अब इसका रेटिंग्स में पहले सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कस्टमर रिव्यूज़ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट पर रेटिंग्स, इमेजेस सब कुछ अच्छा है और सभी ने अच्छा ही रेटिंग्स दिया है। तो उसके लिए उसके बाद आपको टॉप पर ये अनकैटेगराइज को चेंज करके आप क्या कर सकते हो कि आपने जो भी कैटेगरी क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वॉल क्लॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको इम्पोर्ट पर क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको एडिट पर जाना है। एडिट पर जाकर आपको एक वापस से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, मैंने ये बताया था आपको। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली टाइटल को चेंज कर सकते हो। तो अभी इतना बड़ा हमें टाइटल नहीं रखना है, सिंपल सा हमें टाइटल रखना है। तो इसका अलार्म क्लॉक रखते और ये सब कुछ हम यहाँ पर से रिमूव कर देते, और इसी तरह आपको सेम इसे कॉपी करना है। और आपका जो परमालिंक है इतना बड़ा नहीं रखना है, स्मॉल रखिए उतना अच्छा है, तो SEO में भी आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और कैटेगरीज डाल दीजिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको गैलरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी गैलरी में से इमेजेस को एडिट कर सकते हो, तो आपको एक एडिटर भी मिल जाता है, इमेज एडिटर। एट्रीब्यूट्स में जाते हो तो एट्रीब्यूट्स में आप जितने भी इस इमेज में कलर्स है वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो करेंगे, तो आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। साथ में आपको आइटम स्पेसिफाइज भी दिखा रहेगा, तो ब्रांड नेम इसका ये है, ओरिजिन ये है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको इंपोर्ट करने से पहले ही आप सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में क्या है और आप इस प्रोडक्ट को कैसे आप यूज़ कर सकते हो ये सब कुछ, और यहाँ से आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो, वरना आप इसे प्राइवेट में रख सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, तो प्राइस का भी ऑप्शंस मिल जाता है, तो ये पब्लिश हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो अभी ये जितने भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट, अभी 47% हो गया है मेरा प्रोग्रेस। तो मैं अभी इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ और आगे का प्रोसीजर दिखा देता हूँ। गाइस, तो अभी जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं क्योंकि मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है और सभी रिव्यूज सभी प्रोडक्ट में आ चुके हैं।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो भी एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ जिसमें 18 रिव्यूज़ है, तो मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब कर लेता हूँ। तो अभी उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको प्रॉपर कैटेगरीज देना होगा, जो प्रोडक्ट का क्या कैटेगरीज है वो हिसाब से देना है। अभी मान लीजिए कि अभी मैंने मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज और उसमें मोबाइल कवर्स में इसे मैंने रखा हो, तो अगर ब्यूटी हेयर एंड केयर में अगर ये तो उसको अनटिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपको सबसे पहले प्रीव्यू चेंजेस कर लेना है, क्योंकि हमने जितने भी प्रोडक्ट है उसे पब्लिश कर चुके हैं, तो अभी हमें जस्ट इसे पहले प्रीव्यू करके देखना है कि सभी रिव्यूज़ आए हैं क्या नहीं। और एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको टाइटल और जो ये परमा लिंक है उसे चेंज करना है। मैंने क्यों नहीं चेंज किया, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, मैंने आपको करके दिखाया था कैसे चेंज करते। तो मैंने इसे प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक कर लिया हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह का ये इंटरफेस यहाँ पर आया है, जो कि इसका कलर शो कर रहा है, उसका जो मटेरियल है, उसके बाद जो टाइटल, और अगर आपको और देखना है इस प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ पर उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से ये प्रोडक्ट का सब कुछ वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर मैं नीचे स्वाइप करूँगा तो देख सकते हो प्रोडक्ट डिटेल, कस्टमर रिव्यूज, शिपिंग एंड फ्री रिटर्न्स। तो मैं कस्टमर रिव्यूज़ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो जितने भी कस्टमर के रिव्यूज़ है उसके साथ ही इमेजेस भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ पर कस्टमर के रिव्यूज़ ला सकते हो, और जो अगर आप उस इमेज पर क्लिक करोगे जो कस्टमर ने लिया वो यहाँ पर शो करेंगे। तो इसी तरह आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएगा, उसके जितने भी रेटिंग्स है 4 स्टार 5 स्टार वो सब कुछ यहाँ पर शो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस हो जाता है आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, इस प्लगइन की मदद से आप रिव्यूज़ को भी अपने वेबसाइट पर ला सकते हो। तो ये हमारा था, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सभी ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई की रिव्यूज़ कैसे लाते अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो इसी से इस तरह से आप प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ ला सकते हो। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप सभी प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हो, कैसे, जैसे कि अभी हमने अली एक्सप्रेस से कोई भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर लिया, और इधर कोई भी प्रोडक्ट का मान लो कि ये प्रोडक्ट अभी अपडेट हो चुका है, तो हमें ऑटोमेटिकली अपने वेबसाइट में भी उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है। इंपोर्ट्स पर क्लिक कर लेना है, वापस इंपोर्ट प्रोडक्ट पर आप क्लिक कर लीजिए। तो उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको फ्री शिपिंग पर क्लिक करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्री शिपिंग। अभी इसका इम्पोर्ट प्रोडक्ट का एक चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ये प्रोडक्ट को भी आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए आपको जस्ट इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट होते जाएंगे। तो आपको ये अच्छी और इजी वे था ये इम्पोर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन सा आपको चाहिए। फ्री शिपिंग पर क्लिक करोगे तो आपको सभी फ्री शिपिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो अभी कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से अली एक्सप्रेस से इम्पोर्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है सेटिंग्स पर जाकर फ्री शिपिंग को सिलेक्ट करना है, ना कि आपको दूसरे अली एक्सप्रेस ये सभी एक्सप्रेस शिपिंग को। ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि फ्री शिपिंग आपको ईजी पड़ेगा, और अगर आप एक्सप्रेस शिपिंग ये सब कुछ लेते हो तो आपको $50-60 लग जाता है। तो ये था हमारा, मतलब कैसे आप यहाँ पर यहाँ से भी कैसे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आप प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हो। सेटिंग्स पर आपको जस्ट आ जाना है, और यहाँ पर आपको अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पेज लोड हो रहा है, तो लोड हो जाने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग्स पर आना है, अप्लाई टू ऑल कैटेगरीज। तो अभी हमें सभी कैटेगरीज पर अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको व्हेन अ प्रोडक्ट डिसअपीयर्स और इज आउट ऑफ स्टॉक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सेंड टू ड्राफ्ट और रिस्टोर पर आपको रहने देना है, या फिर डू नथिंग पर क्लिक कर दीजिए, एंड व्हेन अ वेरिएशन डिसअपीयर और डू नथिंग, ओके, तो ये सब कुछ रहने दो। और व्हेन द प्राइस चेंजेस अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मीन्स कभी भी अली एक्सप्रेस में प्राइस चेंज होता है वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर भी, एंड व्हेन स्टॉक चेंजेस अपडेट ऑटोमेटिकली, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। और एक्टिवेट ऑटो अपडेट पर भी आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर डेली वंस, वीकली या फिर मंथली, तो मैं वीकली का मैं कर देता हूँ, आप डेली भी रख सकते हो, और सेव चेंजेस पर क्लिक करिए। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपडेट नाउ पर क्लिक करना है, और ये प्रोसेस ये प्रोग्रेस में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सभी प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया हो, तो ये सब कुछ अपडेटेड प्रोडक्ट है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप वीकली या फिर महीने में एक दो बार इसे अपडेट कर सकते हो, या फिर डेली का भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये था हमारा कैसे आप अपडेट कर सकते हो प्रोडक्ट को। अभी चलिए हम यहाँ पर टॉप पर अली ड्रॉप शिप पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर ऑर्डर्स पर जाते हैं। तो ऑर्डर्स पर जाने के बाद आपको जितने भी ऑर्डर्स आए वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले सेटिंग्स पर जाना है।
सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। सो पहला ऑप्शन है जनरल, और यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, सभी इमेजेस, कुछ भी चेंज करना है ट्रैकिंग कैशबैक के लिए, ये सब कुछ को हम यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अभी पहला पॉइंट है मार्क ऑर्डर एज प्रोसीड। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट से परचेस कर लेता है, पेमेंट भी कर लेता है, तो उसे हम प्रोसीड पर ऑर्डर को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद मार्क ऑर्डर एज शिफ्ट मीन्स कोई भी परचेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो, टिक करना चाहते हो, तो कर सकते हो, क्योंकि इसका जो हमें ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगा, ऑर्डर आईडी भी मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। तो आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका जो ऑर्डर शिप हुआ है क्या नहीं, और कितना टाइम लगेगा उस शिप होने के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज, ये सब कुछ एज इट इज़ रिमेन रहने दो। एंड अगर आपको कुछ भी चेंज करना है प्रोडक्ट इमेज में, फीचर्ड इमेज लगाना है, गैलरी इमेज लगाना है, तो आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद कैशबैक का भी ऑप्शन मिल जाता है अली एक्सप्रेस के। रिव्यू ऑप्शन में क्या, एनिमल प्रोडक्ट रिव्यू ड्यूप्लीकेशन, तो अभी कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ से आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। तो ये सिंपल और इजी वे था आपको कोई भी चीज़ को करने के लिए। अब और अभी आप पर देख सकते हो ट्रैकिंग सर्विस में अटैच एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, इसे टिक कर दीजिए। डोंट अटैच ट्रैकिंग, तो ये ट्रैकिंग आईडी मतलब इंपॉर्टेंट, डोंट अटैच ट्रैकिंग आईडी इन ऑर्डर शिप नोटिफिकेशन एंड कस्टमर अकाउंट्स। तो आपको अगर अटैच करना है तो अटैच कर सकते हो, सेंड ईमेल नोटिफिकेशन इफ द ट्रैकिंग आईडी इज चेंज, अभी ये रहने दो। और यहाँ से आप ट्रैकिंग सर्विस को भी अलाउ कर सकते हो, कौन सा ट्रैकिंग सर्विस चाहिए, और सेव चेंजेस पर क्लिक कर लीजिए। तो उसके बाद हम प्राइसिंग की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा प्राइसिंग का, जो कि आप देख सकते हो प्राइसिंग मार्कअप फॉर्मूला। और यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट है उसमें देख सकते हो 0.74, 6.49 डॉलर। अभी मुझे इतने ही प्राइस में इसे सेल नहीं करना है, मुझे इससे ज़्यादा प्राइस में सेल करना है। तो क्योंकि अगर मैं इतने प्राइस में सेल करूंगा तो मेरा तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, जितने का वो प्रोडक्ट पड़ता है उतने का ही प्रॉफिट होगा। अभी मुझे इसे 0.74 से $2, $3, $5 में सेल करना होगा, तो आप इजीली कर सकते हो। आपको सब कुछ मैन्युअली जाकर नहीं करना है, और यहाँ पर से आपको ऐड रिकमेंडेड पर क्लिक कर लीजिए। तो जो भी आपको यहाँ पर सभी प्राइस के बारे में पता चल जाएगा, ये सब कुछ रिकमेंडेड प्राइस यहाँ पर बताया होगा। अभी आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके इक्वल टू दिया है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली सभी फार्मूला डाल देगा। मान लो कि जीरो से $1 के बीच में कितने भी प्रोडक्ट हो गए, वो $7 तक आप उसे सेल कर सकते हो। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने जो भी प्रोडक्ट को ओपन किया उसका प्राइस यहाँ पर $8.99 दिखा रहा है, बट इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो $2 या $3 के आसपास ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये $8.99 दिखाने का मतलब है कि हमने यहाँ पर प्राइस मार्कअप फार्मूला को यूज़ किया। उसकी मदद से जितने भी यहाँ पर $1 से लेकर $2 के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है वो उसके प्राइस $8.99 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो उसी से ही यहाँ पर ये भी जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल प्राइस $1 या $2 ही होने वाला है, और हमने यहाँ पर इसे $8.99 में इसे हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है $7 या $8 हमें अपने जेब में जाएगा, और दूसरे $1 का वो अली एक्सप्रेस रख लेगा, मतलब अली एक्सप्रेस में वो परचेस करने में चला जाएगा। तो इससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा आप भी सोच सकते हो, कि $2 से $5 के बीच में जितने भी प्रोडक्ट है वो सब कुछ $9.95 हो जाएगा, और जितने भी $5 से $30 के बीच में प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो आप भी समझ सकते हो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 × 2 कितना हो जाएगा आप भी सोच सकते हो, $60 हो जाएगा। तो इसी से मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप रिकमेंडेड पर क्लिक करोगे तो आपको इतना अच्छा लिस्ट मिल जाएगा, और आप खुद से इसे एडिट भी करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आप उसका प्राइस चेंज करना चाहते हो $8.99 से $9, $10 करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं एज इट इज़ रिकमेंडेड रख देता हूँ, तो आप समझ गए कैसे ये प्राइसिंग का वर्क करता है। तो अभी ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आप रीसेट प्राइस पर वापस से क्लिक कर लीजिए, और ये रीसेट करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रिकमेंडेड पर क्लिक करोगे तो उनके हिसाब से जो परफेक्ट प्राइस है ये सभी के लिए वो यहाँ पर सिलेक्ट होगा। अभी यहाँ पर आप कैटेगरीज के हिसाब से देखोगे तो ये सभी जितने भी कैटेगरीज है वो सभी में अप्लाई होगा, आपको बार बार कैटेगरी सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ इसे, तो ये 100% हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं वापस इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अब देख लेना कि इसका जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा सभी का, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट आए वो यहाँ पर आपको शो करना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो देख सकते हो ये सभी प्रोडक्ट्स है, वो सभी के प्राइस यहाँ पर चेंज होते गए, और अभी एक अच्छा लग रहा है कि एक वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, सभी प्रोडक्ट को एक एक करके सभी प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हम कोई भी कैटेगरीज पर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक्स पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक यहाँ पर शो करेगी जितने भी आपने क्लॉक्स को क्रिएट किया वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो एक अच्छा और एक प्रोफेशनली मुझे यहाँ पर एक लुक यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया है, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली होते जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेते हो तो उसके सभी कलर्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, उसके बाद आपको रिव्यूज रेटिंग्स भी साथ में देखने को मिलता है। तो ये सभी आप इमेजेस को देख सकते हो, कितने सारे इमेजेस है। तो अभी ये प्राइसिंग का आप पता चल गया रहेगा कैसे, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होता है तो आप ऐड रिकमेंडेड पर क्लिक करके प्राइसिंग को कर सकते हो, वरना आपको कुछ भी चेंजेस करना है, टाइम को चेंज करना है उसे कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्यूमेंट्स को भी रीड कर सकते हो। हम यहाँ पर करेंसी का देखेंगे। अभी इस पेज पर अगर आप वेबसाइट पर आते हो तो आप टॉप पर देख सकते हो यूएस डॉलर शो कर रहा है। अभी कोई बंदा इंडिया से आया होगा, ऑस्ट्रेलिया से आया होगा, तो उसे दूसरे करेंसी में इस प्रोडक्ट को देखना होगा। अभी यहाँ पर यूएस डॉलर है, अगर कोई भी बंदा इंडिया से आता है तो उसे यहाँ पर इंडिया का साइन दिखने चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और करेंसी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको सब कुछ, आप कौन से भी करेंसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिफॉल्ट करेंसी मैंने यूएस डॉलर रखा हो, तो यहाँ पर आप इंडियन भी रख सकते हो, तो यहाँ से आपको जस्ट इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशनल करेंसी पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इंडिया सर्च करके इसे टिक कर दीजिए, तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा इस यहाँ पर एक्सचेंज रेट में। और उसके बाद अभी मैं दूसरे करेंसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये मैंने थ्री करेंसी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पर करेंसी लोकेशन को आपको ऑन कर लेना है, और क्योंकि अगर कोई भी बंदा अगर इंडिया से आता है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर जो भी करेंसी दिखाएगा वो इंडियन रुपीज में दिखाएगा, अगर अमेरिका से आता है तो, यूएसए से आता है तो यहाँ पर डॉलर का साइन दिखाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसे सेव चेंजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये शो कर रहा है। अभी क्या कर लेता हूँ, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसका करेंसी रेट भी दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कितना, उसके बाद यहाँ पर इंडियन रुपीस में कितना होगा। तो अभी हम क्या कर लेंगे, इस पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको इस एरो पर अगर आप जाकर होवर करोगे तो आपको सभी करेंसीज दिखाएगा। तो ये लोड कंप्लीट हो जाने दो। ओके गाइस, तो यहाँ पर इंडियन रुपीस दिख रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर लोकेशन इंडियन है ना, इंडिया में रहता हूँ। तो अभी जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इंडियन रुपीस में शो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर होवर कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर दिखा रहा है। तो अगर आपको और ऐड करना है तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। तो जितने भी यहाँ पर कंप्लीट कंट्री है वो सब कुछ यहाँ पर शो करेंगे, और इस पेज को आपको रिफ्रेश कर लेना है। तो अभी यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मतलब कोई भी किसी भी कंट्री से कोई भी बंदा आता है तो उसको यहाँ पर उसी हिसाब से प्राइस यहाँ पर शो करेंगे। तो एक अच्छी बात है कि आप कहाँ पर भी इस आपके ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को मतलब कोई भी परचेस कर सकते हैं आपके वेबसाइट से, और आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पर ये चेंज सेव मतलब ये अभी जाकर ये सेव हुआ है। तो अभी जाकर मुझे वापस से इसे रिफ्रेश कर लेना होगा, क्योंकि अभी ये अभी देख सकते हो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर कंट्रीज है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर यूएसए से आता है या फिर चाइना से आता है या फिर कोई भी यूरोप से आता है, कंट्री हिसाब से वो करेंसी को सिलेक्ट कर सकता है। और उसके लिए भी अच्छा है कि जो प्रोडक्ट उसे नहीं समझता है रुपीज़ के साइन में, तो वो यूएसए डॉलर में देख सकता है, फिर बाद में दूसरे करेंसी में देख सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था सेटिंग्स जो कि आपको करना होगा। अगर आप पेमेंट के सेक्शन पर आ जाते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद पेपाल का ऑप्शन और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऑप्शन में आपको बहुत सारे सर्विस मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल टू चेकआउट लाइन विद पेपाल। और इसकी एक खास बात मैं बताऊँ इस प्लगइन की, कि यहाँ पर आपको इंस्टा मोजो मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पे यू मनी का भी ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे स्वाइप करोगे तो रेजर पे, स्ट्राइप, ये सभी ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रेजर पे ये सब कुछ यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट रेजर पे पर क्लिक करना है और यहाँ से रेजर पे को एनेबल करना होगा। तो इसके लिए आपको की आईडी और की सीक्रेट की ज़रूरत होगी। तो अभी मैं सबसे पहले ब्रांड नेम डाल देता हूँ, ऑफर वॉलमार्ट डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन आप जो भी डालना चाहते हो,
की आईडी और की सीक्रेट को आपको डालना है। तो सबसे पहले आपको रेजर पे को ओपन करना होगा, जो कि इजी है इसका पूरा सेटअप। तो मुझे यहाँ पर रेजर पे से अप्रूव मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवाईसी को पहले कंप्लीट करना होता है। तो मैं लॉगिन करके आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो मैं पहले रेजर पे को यूज़ करता था, अभी मैं यूज़ नहीं करता, अब मैं ज़्यादा इंस्टामोजो भी यूज़ करता हूँ। तो आप इंस्टामोजो यूज़ करने के लिए आपको खुद से भी एक स्टोर फ्री में मिल जाता है, तो आप इंस्टामोजो पर जा सकते हो, वरना आप रेजर पे से इजी गेटवे है, तो रेजर पे को आप जरूर यूज़ करिए। तो ये लॉगिन हो जाने के बाद मैं आपको की सीक्रेट की एसएस की दिखा देता हूँ कैसे आपको मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ सेटिंग्स के ऑप्शन पर जो डाउन पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको API कीज़ मिल जाएगा, जो कि अभी मैं इसे सबसे पहले रीजेनरेट कर लेता हूँ। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन मेरे मोबाइल फोन पर OTP आ रहेगा, तो OTP है 471334 और कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इमिडिएटली चाहिए तो मैं इसे डाल देता हूँ। और API की मुझे मिल गया है की आईडी और की सीक्रेट, तो जस्ट मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ और सीक्रेट की को भी मैं डाल देता हूँ। तो इसी तरह से आप की आईडी और की सीक्रेट की ले सकते हो, और लोगो डालना चाहते हो कौन सा भी रेजर पे का डाल सकते हो, वरना सेव चेंजेस पर क्लिक करिए। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर पेपाल को भी एनेबल करना है, तो एनेबल पेपाल पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पर आपको ये सब कुछ चाहिए रहेगा, बट हम यहाँ पर डायरेक्टली क्लासिक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लासिक पर आपको जस्ट आपका ईमेल आईडी डालना है, जो पेपाल का ईमेल आईडी है। तो ये सिंपल था, क्योंकि पेपाल में आपको ज़्यादातर कुछ करना नहीं है, और इमेज URL डालना है तो डालो, वरना आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर लीजिए। तो हमारा ये दो पेमेंट ऑप्शन क्रिएट हो चुका है। तो अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम शिपिंग के ऑप्शन पर चले जाते हैं। शिपिंग पर आ जाने के बाद अभी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई भी शिपिंग करना नहीं है, सब कुछ आपका अली एक्सप्रेस से शिपिंग होते जाएगा। बट हमें यहाँ पर बताना होता है कि जो शिपिंग करने वाले जो कस्टमर होते उन्हें एक्सप्रेस शिपिंग चाहिए, या फिर फ्री शिपिंग चाहिए, या फिर ऐसे जल्दी उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए एक्सप्रेस शिपिंग भी चाहिए रहेगा ना। तो वो सब कुछ हमें दिखाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर कंट्रीज डेट यू शिप टू, मतलब जो कंट्रीज आपको सिलेक्ट करना है जो शिपिंग के लिए अवेलेबल है आपके पास, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने पूरा ही सिलेक्ट करके रखा हो, आप रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप ऐसे ही रहने दो। डिफ़ॉल्ट कंट्री आप यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडिया जो रखना चाहते हो रख सकते हो, क्योंकि सिलेक्ट द कंट्री शोन बाय डिफ़ॉल्ट इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट में है, तो आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फ्री, सुपर सेविंग, स्टैंडर्ड और एक्सप्रेस शिपिंग्स का भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर फ्री सिलेक्ट किया है। तो साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सप्रेस शिपिंग को भी एनेबल कर देता हूँ, ताकि किसी को भी एक्सप्रेस शिपिंग करना है जो फास्ट शिपिंग के लिए अवेलेबल है तो वो एक्सप्रेस शिपिंग कर सकता है। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस लिख लेता हूँ, शिपिंग करके यहाँ पर मैं डिलीवरी टाइम जो भी आपको कितने दिन का डिलीवरी, मतलब चलो मैं मान लेता हूँ 15 से 20 दिन मैंने टाइम रख दिया हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस शिपिंग में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप शिपिंग को एनेबल कर सकते हो। सिंपल था, इजी था शिपिंग का, आप सभी लोग जानते होंगे कैसे शिपिंग करना है। सुपर सेविंग, स्टैंडर्ड, ये सब कुछ आप देख लीजिए। अभी आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी ईमेल मतलब सेंड करना होगा, कोई भी किसने भी परचेस किया होगा तो उसका हमें ईमेल सेंड तो करना ही होगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका होगा, आप देख सकते हो। बट हमें यहाँ पर API की चाहिए रहेगा, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सर्विस को सिलेक्ट करना होगा। तो आपको SMTP मिल जाएगा, सेंड ग्रिड मिल जाएगा, सेंड इन ब्लू, बहुत सारे ऐसे। तो हम SMTP को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें लोकल होस्ट और SMTP पोर्ट ये सब कुछ चाहिए रहेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर साइडग्राउंड होस्टिंग की मदद से भी कर सकते हैं। तो साइडग्राउंड होस्टिंग को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी होस्टिंग को यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन ज़रूर मिला होगा, तो वहाँ पर आपको जस्ट आना है, और मैं जो भी सेटअप कर रहा हूँ वो सेम आपको करना होगा। मैं साइडग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि साइडग्राउंड का जो भी इंटरफेस है वो सबसे सिंपल और ईजी इंटरफेस है, और इसकी जो सर्विस है वो सबसे मुझे अच्छी लगी साइडग्राउंड की, जो कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उन लोग 110% आपकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी आपको जस्ट ईमेल अकाउंट्स के ऑप्शन पर आ जाना है, और हमें एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा।
फॉर एग्जाम्पल अभी अकाउंट नेम में डाल देता हूँ, तो अभी यहाँ पर मैं सपोर्ट लिख लेता हूँ, सपोर्ट, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी क्रिएट के support@, जो वेबसाइट का नाम है offerwalmart.com, तो इस तरह का एक बिजनेस ईमेल यहाँ पर आपको क्रिएट मिलेगा, और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको जस्ट क्रिएट पर क्लिक कर लेना है और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा आपका ईमेल। तो आपको अभी क्या करना होगा, यहाँ पर 3 लाइन है वहाँ पर क्लिक करना है और मेल कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर लीजिए। मैन्युअली सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सभी ईमेल का सेटिंग्स मिल जाएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, उसके बाद आपको बोला था मैंने SMTP पोर्ट मिल जाएगा, जो हमें चाहिए रहेगा वो सब कुछ हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले डालना होगा SMTP होस्ट। अभी SMTP होस्ट में आपका जो वेबसाइट का URL है उसे जस्ट कॉपी कर लेना है, आपका जो ऑफर वॉलमार्ट मैंने कॉपी किया हो, और यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको SMTP पोर्ट है 465, तो इसे कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। तो यूज़र नेम हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है, support@offerwalmart.com, कॉपी करके डालना है, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा उसे यहाँ पर डाल दीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को अलाउ कर सकते हो। तो हमारे ये कम्प्लीट हो चुका है। अभी जस्ट नीचे स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला है वो यहाँ पर आपको चेंज करना है, कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करना है कर सकते हो, या फिर एज इट इज़ रिमेन रहने दो। उसके बाद आपका एक टेम्पलेट क्रिएट होके आ जाएगा, इस तरह से आपका टेम्पलेट है, आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। और अगर आपको टेस्ट करना है आपने जो भी ईमेल को क्रिएट किया है, तो आप इजीली कर सकते हो। अभी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो एनक्रिप्शन, वहाँ पर आपको यूज़ SSL पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमारा जो SSL है इसे क्लिक करने के बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये आप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, ये सब कुछ सेटअप आपका कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम एक ईमेल आईडी को टेस्ट करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क करता है क्या नहीं। तो आपको जस्ट नीचे आ जाना है और यहाँ पर अगर आप टेस्ट पर अभी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप टॉप पर देखोगे तो आप देख सकते हो सेंड अ कॉपी टू, इस ईमेल आईडी पर हमारा ईमेल रिसीव होगा। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको चेंज करना है, दूसरा ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर से डाल सकते हो। उसके बाद देख सकते हो ईमेल फ्रॉम no-reply@www.offerwalmart.com। अभी ये ईमेल आईडी हमें नहीं चाहिए, हमने ये ईमेल आईडी को क्रिएट नहीं किया है साइडग्राउंड होस्टिंग में, जो कि हम ईमेल अकाउंट्स में क्रिएट किए। तो हमने ईमेल आईडी को क्रिएट किया है support@offerwalmart.com। तो इस ईमेल आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह आपको सभी जितने भी यहाँ पर ईमेल आईडी का सेक्शन है उस पर जाकर पेस्ट करना है। तो मैंने पहले से ही पेस्ट करके रखा हूँ ताकि टाइम भी बच सके। तो अभी क्या कर लेना है, जस्ट आपने ईमेल आईडी को पेस्ट कर लिया है तो उससे बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो अगर आप यहाँ पर टेस्ट पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट पर अभी क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद देख सकते हो ये मैसेज यहाँ पर सेंड हो गया है mytechnicalnewsmarketing@gmail.com है। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉप पर ये मैसेज आ चुका है, तो मैं वहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम, ये मैसेज आ गया है। तो ये मैंने दूसरा ईमेल आईडी को सिलेक्ट किया था। अभी यहाँ पर मैं टॉप पर जाकर इस ईमेल आईडी को देख लेता हूँ, तो ये मैंने चेंज किया हूँ। तो वापस से मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हो वापस से एक ईमेल नया आएगा मेरे को, देख सकते हो एक न्यू ईमेल मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो यहाँ पर ये सब कुछ, अभी तक मैंने कुछ भी ऑर्डर डिटेल फिल नहीं किया हो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो इसी तरह से आपको ईमेल आईडी का जो यहाँ पर नेम है उसे चेंज करना होगा, जो डिफॉल्ट ईमेल आईडी को रिमूव करके आपने जो भी ईमेल आईडी को क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर आप नहीं डालोगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इसी से, इस तरह से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी का ये सर्वर को चेंज करना है। अभी हम कूपन्स की तरफ चलते हैं। तो अभी कूपन्स में क्या होता है कि यहाँ पर आप ऐड न्यू पर क्लिक करोगे तो एक आपका खुद का कूपन कोड बना सकते हो। तो अभी मैं वो दिखाने वाला नहीं हूँ, सभी को पता ही होगा कैसे आप कूपन कोड को ऐड कर सकते हो। अभी अकाउंट्स के सेक्शन पर चलते हैं। तो अकाउंट्स पर आप यहाँ पर रिकैप्चा, फेसबुक ऑथेंटिकेशन, ट्विटर, कस्टमर, ये सब कुछ आपको अगर एनेबल करना है कुछ साइनअप प्रोसेस के टाइम तो आप कर सकते हो। तो रिकैप्चा के लिए आपको साइट की और सीक्रेट की चाहिए रहेगा, तो इजीली आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको इसे एनेबल रिकैप्चा पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हाउ इट वर्क्स पर आप क्लिक कर लीजिए।
उसके बाद आपको बताया होगा कि कैसे आप गूगल का रिकैप्चा को क्रिएट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर जस्ट क्या करना होगा, लॉग इन टू गूगल रिकैप्चा अकाउंट पर जाना होगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं एडमिन कंसोल पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने पहले से ही रिकैप्चा क्रिएट करके रखा हो, आप देख सकते हो, बट मैं एक न्यू क्रिएट करने वाला हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं मेरा वेबसाइट का नेम डाल देता हूँ, offerwalmart.com। और यहाँ पर आपको टाइप सिलेक्ट करना होगा कौन सा आपको टाइप का रिकैप्चा चाहिए। तो यहाँ पर बताया नहीं गया कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए, आपको जस्ट मैं रिकैप्चा वर्जन 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपको डोमेन को ऐड करना होगा, तो आपका सिर्फ डोमेन को ऐड करें, https://www को आप रिमूव कर दीजिए। फिर डोमेन ऐड हो जाने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर आपको की मिल जाएगा, तो ये देख सकते हो सीक्रेट की साइट की और सीक्रेट की मिल गया है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सीक्रेट की को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेव चेंजेस कर लीजिए। तो उसी तरह अगर आपको फेसबुक ऑथेंटिकेशन का करना है तो आप हाउ इट वर्क्स पर क्लिक करें और एप्लीकेशन आईडी और सीक्रेट आईडी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे एनेबल कर लेता हूँ और हाउ इट वर्क्स पर मैं इसे न्यू पेज पर ओपन कर लेता हूँ। तो अभी इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फेसबुक का डेवलपर अकाउंट पर चला जाना है। तो इसे मैं न्यू पेज पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर पूरे स्टेप में बताया कि सबसे पहले को एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा, खुद का मतलब डिस्प्ले नेम करना होगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको फेसबुक का आपका अकाउंट होना चाहिए, उसकी मदद से ही यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हो डेवलपर्स अकाउंट में। तो हमारा यहाँ पर पहले से फेसबुक का अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली माई ऐप पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली फैच कर देगा कि आपका अकाउंट है क्या नहीं। अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर कितने सारे ऐप्स बना के रखा हूँ ऑफर वॉलमार्ट का भी। फिर भी आप अगर न्यू हो और आपको नहीं पता कैसे आपको फेसबुक डेवलपर्स में एक ऐप बनाना है, तो सिंपली जस्ट क्रिएट ऐप पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मैनेज बिजनेस इंटीग्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले नेम, नेम क्या डालना है, ऑफर वॉलमार्ट डाल देता हूँ मैं, ऑफर वॉलमार्ट वेबसाइट लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने और एक मेरा वेबसाइट और एक एप्लीकेशन में इस नाम से क्रिएट किया हो ना इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैं योरसेल्फ एज और योर ओन ओन बिजनेस में क्लिक कर लेता हूँ और ईमेल के बदले में यहाँ पर दूसरा ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ पर से क्रिएट ऐप पर क्लिक कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा ऐप, तो आप सिक्योरिटी जो कैप्चा आएगा उसे आपको फिल कर देना है। आपको यहाँ से फेसबुक लॉगिन को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि कोई भी यूजर लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक से। तो हम यहाँ पर फेसबुक लॉगिन को सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप पर आपको जस्ट क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आप फेसबुक लॉगिन पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको दिखाई रहेगा वेबसाइट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वेब पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी साइट का URL है उसे यहाँ पर आपको डालना होगा। तो साइट URL डालने के बाद आप सेव पर क्लिक कर लीजिए। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाइए। अभी आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पर आकर बेसिक्स पर क्लिक कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर हमें ऐप ID और ऐप सीक्रेट की को चाहिए रहेगा, तो उससे पहले यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, बट हमें इसे एक्टिवेट भी करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अगर प्राइवेसी पॉलिसी URL है तो आप दोनों जगह पर डाल दीजिए, कैटेगरीज डाल दीजिए और इसे सेव चेंजेस कर लीजिए। तो ये सब कुछ आप फिल कर लोगे। तो अभी आपको यहाँ पर अपने फेसबुक लॉगिन को यहाँ पर ऐड किया था वहाँ पर क्लिक करना है और सेटिंग्स के सेक्शन पर आ जाना है। तो अभी यहाँ पर हमें एक ID डालना होगा जो कि आप देख सकते हो ऑट रिडायरेक्ट URL डालना होगा। तो उसे यहाँ पर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर हाउ इट वर्क्स पर क्लिक किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ इट वर्क्स पर फेसबुक के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस पेज पर आए थे, तो यहाँ पर आपको एक URL दिया रहेगा डिफॉल्ट URL, आपको उसे जस्ट पहले कॉपी कर लेना है और इसे आप सबसे पहले नोटपैड पर ओपन कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारा ये योर साइट URL लिखा है वहाँ पर हमें अपना साइट डालना होगा, जो ऑफर वॉलमार्ट जो मेरा साइट है।
उसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और उसे जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर बैक करके वापस से देख सकते हो। तो इसी तरह आप ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा और सेव चेंजेस पर क्लिक कर लीजिए। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको करना है। तो हमारा ये सेव हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट आईडी हमें चाहिए रहेगा। तो आपको ये सिंपल और इजी वे में मिल जाएगा, जो कि आपको अभी क्या करना होगा, सेटिंग्स के सेक्शन पर आना है, बेसिक्स पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट मिल जाएगा। उससे पहले यहाँ पर आपको ऐप डोमेन्स है, वहाँ पर आपका साइट का यूआरएल डालना होगा। तो मैं जस्ट वापस इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको प्राइवेसी यूआरएल, टर्म्स एंड सर्विस यूआरएल को भी डालना होगा। तो अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया, अगर आपने क्रिएट किया है तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं सेव चेंजेस कर लेता हूँ। तो अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद अभी यहाँ पर आपको ये एरर आया होगा कि आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट है। तो आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज अगर आपका होगा तो आप डाल दीजिए। तो मैंने पहले भी क्रिएट किया था, उसे मैं डाल देता हूँ, सेव चेंजेस कर लेता हूँ। और कैटेगरीज भी आपको डाल देना है। तो कैटेगरीज में यहाँ पर आप डाल दीजिए कि आपका जो वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर शॉपिंग लिख लेता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपका ये सब कुछ, ये पर्सनल डिटेल फिल हो जाने के बाद आपको ऐप आईडी तो मिल जाएगा। तो आपको जस्ट ऐप आईडी को कॉपी करना है और एप्लीकेशन आईडी पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर से ऐप सीक्रेट को आपको शो पर क्लिक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर से मैं ऐप सीक्रेट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह से आप यहाँ पर फेसबुक ऑथेंटिकेशन को भी एनेबल कर सकते हो। तो अभी सेम प्रोसेस होता है ट्विटर के लिए। तो अभी मैं बार बार तो नहीं बताने वाला हूँ, आपको दोनों बता चुका हूँ। तो अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम चलते हैं एसईओ के सेक्शन पर। तो अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट आता है एसईओ करना, जो कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट सब कुछ वेबसाइट तो बना लेंगे पर सबसे मेन आता है एसईओ करना। तो यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल एंड रोबोट डॉट टीएक्सटी, तो उसे आप एनेबल कर दीजिए। और SEO मेटा फील्ड्स, SEO डेटा जनरेटर, उसे आप एज इट इज रिमेन रहने दे सकते हो, क्योंकि SEO टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स विल बी जनरेटेड एंड एडेड टू योर प्रोडक्ट पेज ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पर इसे एनेबल करना है तो कर सकते हो, वरना एज इट इज रिमेन रह सकते हो। अभी होम पेज में क्या आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स डालना होगा, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो होम पेज में हम टाइटल डाल देंगे, ऑफर वॉलमार्ट डाल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स भी डाल दीजिए। तो मैं अभी के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कैसे आप एसईओ कर सकते हो। तो कुछ भी नहीं है और इसमें करने के लिए अभी यहाँ पर मैं, और दूसरा कुछ, सभी ऑप्शंस के बारे में अभी हमने बात कर चुके हैं। तो आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि आपको कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा आपको कुछ समझा नहीं, तो मैं वो हिसाब से आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो मेन मेन्यू पर मैं वापस क्लिक कर लेता हूँ। अभी हम चलते हैं कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर। आपको जो लास्ट ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइजेशन, वहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर से सबसे पहले जनरल पर क्लिक कर लीजिए। तो अभी हम कुछ थीम को चेंजेस करेंगे। हमारा जो थीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का थीम है, जो कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, अभी इसका कुछ काम नहीं है। तो ये हमारा ये थीम है, इस तरह का ये थीम शो कर रहा है। तो मैं पहले पेज पर चला जाता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पर से कुछ चेंजेस करना है। अभी मुझे इसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट रखना है, तो मुझे यहाँ पर से चेंज करना होगा तो कर सकता हूँ। अभी गाइस हमें यहाँ पर फेव आइकॉन को क्रिएट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हो उसे। तो उसके लिए हम यहाँ पर डायमेंशन ले लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पर 32x32 पिक्सल का लेना होगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट, उसके लिए हम कैनवा को यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर मैं 32x32 लूँगा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 पिक्सल का बोल रहे हैं। चलो तो मैं 40 पिक्सल लेके देखता हूँ। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट क्रिएट न्यू डिज़ाइन और मैं सिंपल सा एक लोगो क्रिएट कर लेता हूँ। अभी इतना छोटे में मैं मेरा पूरा वेबसाइट का नाम तो नहीं डाल सकता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा वेबसाइट का नाम। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एलिमेंट्स में जाकर कौन सा एक शॉप पेज का मैं इमेज डाल देता हूँ। तो यहाँ पर तो ऐसा, हाँ इसे मैं डाल देता हूँ, एक अच्छा दिख रहा है मुझे। इसमें कलर बिलर भी चेंज करने का है, पर मुझे कलर अच्छा लगा इसका, तो मैं इसे थोड़ा छोटा ही अच्छा लगेगा। तो अभी ये कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड कर दीजिए यहाँ से। ओके, तो अभी हमें इसे ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो इसके लिए तो हमारे पास कैनवा का
अगर आपको कैनवा यूज करना है तो कैनवा का आपको पेड वर्जन यूज करना होगा ट्रांसपेरेंट के लिए, बट हम यहाँ पर यूज करने वाले रिमूव डॉट बी जी, तो इसकी मदद से आप कोई भी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो मैं इसे इमेज को यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट इजीली कर देगा। एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि इसमें दिख रहा नहीं बराबर से, तो देख सकते हो ये मेरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है पर मुझे यहाँ पर प्रॉपर ही नहीं दिख रहा है। चलो तो एक काम करते हैं, हम इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं करते, हम डायरेक्टली इसे यहाँ पर अपलोड कर देते हैं क्योंकि यह टॉप पर इसे ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि टॉप पर थोड़ी क्या हमें कुछ दिखेगा, वाइट ही रहने वाला है उसका बैकग्राउंड। तो हम यहाँ पर इसे अपलोड कर देते हैं और सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपका ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप सेव चेंजेस सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर लिए और यहाँ पर से हम इसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो उसका चेंजेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर आप फेव आइकॉन को चेंज कर सकते हो। अभी टेम्पलेट कलर, अभी जो पहला कलर है ब्लू, मतलब थोड़ा ब्लू कलर टाइप है, तो यहाँ पर आपको जो भी ये कलर दिख रहा है ब्लू टाइप कलर, तो उसे यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रोमो काउंटर कलर, जो कि ये काउंटर हो रहा है प्रोमो का, उसे यहाँ पर से उसका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रोमो का जो टेक्स्ट कलर है वो हमने थोड़ा लाइट लिया है, जो कि ये टेक्स्ट कलर, उसे यहाँ पर से कर सकते हो। उसके बाद प्राइस का जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर जितने भी प्राइस कलर है वो ऑरेंज कलर में शो कर रहे हैं, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। बटन्स कलर, ये सब कुछ यहाँ पर से आप कलर चेंज कर सकते हो। और ये जो बैनर है, हमें यहाँ पर ये बैनर का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ये बैनर लगाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं, तो हम यहाँ पर इसे रिमूव कर सकते हैं। बट अभी मैं तो सिर्फ एज इट इज़ रिमेन रहने देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है। अभी ये बैनर को बाद में भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो अभी आप पता चल गया रहेगा, अभी जनरल ऑप्शन से अभी हेडर सेक्शन पर, हेड पर आ जाइए। अभी हेड पर क्लिक करने के बाद आपको CSS स्क्रिप्ट कस्टमाइजेशन कुछ भी करना है, हेडिंग सेक्शन पर कुछ भी कोड पेस्ट करना है तो आप यहाँ पर से कर सकते हो हेड टैग के लिए। तो हेड टैग आपको इजीली अच्छे से, मतलब एक डिफरेंट पेज पर मिल जाता है। हेडर के सेक्शन पर अभी चले जाते हैं। तो अभी हेडर सेक्शन पर हमें क्या करना होगा, लोगो को चेंज करना होगा, उसके बाद ये आपको इसे रहने देना है तो रहने दे सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल, आपका जो फ़ोन नंबर, आपको इसका साइज चेंज करना है उसे करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो भी हेडर सेक्शन में ये सब कुछ है, आपका लोगो, उसके बाद ये जितने भी इमेजेस डाले, तो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मुझे लोगो को चेंज करना है। तो लोगो का रिकमेंड साइज़ है 190x50 pixels। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैंने एक इमेजेस यहाँ पर डाला था उसे सिलेक्ट करके डाल देता हूँ, तो ये प्रॉपरली नहीं आया, तो मैं 190x50 pixels का एक बना के देख लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 190x60। तो हमारा यहाँ पर ये लोगो भी क्रिएट हो चुका है। अभी इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, पर हमें इसे ट्रांसपेरेंट रखना होगा। तो ट्रांसपेरेंट के लिए हम रिमूव डॉट बी जी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको डाल देना है। तो सबसे पहले मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, तो मैं इसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर से जस्ट आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है और आपका ये अपलोड हो जाएगा। सेव सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पर आप लोगो देख सकते हो। अभी क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और अगर आपको ये फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग को रिमूव करना है तो कर सकते हो। सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर लीजिए आप। तो हमारा ये दो ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े ऑप्शन सभी में मैं जाऊँगा, तो होम पर अभी आपको क्लिक कर लेना है। तो अभी मैं आपको थीम कस्टमाइजेशन बता देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी कैसे आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हो, सभी बैनर्स को रिमूव करके खुद के बैनर डाल सकते हो। तो सबसे होम पर क्लिक करने के बाद तो ये आपको ये मोनालिसा का पेंटिंग यहाँ पर शो करेगा, जो कि हमें यहाँ पर टॉप पर दिखा रहा है, पर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम यहाँ, हमारा जो वेबसाइट है वो शॉपिंग से रिलेटेड है, तो हमें इसे रिमूव करना होगा। तो इसका रिकमेंडेड साइज़ है 570x359 pixels। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अनस्प्लैश करके एक वेबसाइट आता है, खुद से अगर आप बना सकते हो इमेजेस तो बनाइए, या फिर आप फ्री में कोई भी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो।
अनस्प्लैश ये वेबसाइट से, तो हाई रेजोल्यूशन आपको इमेज फोटोज मिल जाएंगे। तो अभी मेरा वेबसाइट है होम डेकोरेशन ऐसे मतलब एसेसरीज के बारे में, तो मैं यहाँ पर होम डेकोरेशन लिख लेता हूँ, तो देख लेते कि क्या आपको इमेजेस यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर होम डेकोरेशन के लिए तो सब भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे इमेजेस है, तो एक काम करता हूँ मैं एक सिंपल सा एक इमेज लेके दिखा देता हूँ। और एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये वर्टिकल में नहीं होना चाहिए, आप हॉरिजॉन्टल लोगे तो अच्छी बात है कि आपका पूरा इमेज आएगा, तो वर्टिकल में मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इमेज है, और यहाँ पर से डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि आपको इतने ही साइज़ मिल रहे हैं, आपको खुद से साइज़ कस्टमाइज़ नहीं करना होता है। तो अभी ये थोड़ा प्रॉपरली आ रहा है, चलो देख लेते हैं कि ये बराबर है क्या नहीं इमेज। अभी से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो ये मेरे लिए सम प्रॉपरली इमेज है, ये बराबर से इमेज यहाँ पर फिट हो गया है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इमेजेस को डाल दिया हूँ, बट यहाँ पर देख सकते हो गैप शो कर रहा है, मीन्स ये प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है। और दूसरे भी जो इमेजेस है इसे भी हमें यहाँ चेंज करना होगा। तो यहाँ पर साइज तो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अनस्प्लैश वेबसाइट से हम सभी इमेज को मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये 3 इमेज का साइज प्रॉपरली नहीं है जो हमें यहाँ पर साइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम canva.com से क्रिएट करेंगे डिज़ाइन को। तो उसके लिए हम क्रिएटर डिज़ाइन पर आप क्लिक कर लीजिए और कस्टम डायमेंशन पर क्लिक करिए। और तो हम यहाँ पर जो पहला इमेज है उसका साइज है 570x359, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 570 और इधर 359। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर साइज को चेंज करना होगा, एडजस्ट कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर हमने जो ये 3 इमेज है उसे सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर प्रॉपरली से एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है और यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपका मेरा पहला इमेज यहाँ पर से डाउनलोड हो चुका है। तो अभी मैं इसे सबसे पहले यहाँ पर मैं अपलोड करके देखता हूँ कि ये प्रॉपरली फिट हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ, उस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, तो अपलोड यहाँ पर मैं सिलेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख लीजिए कि ये प्रॉपरली फिट हो गया है। तो मैं अभी इसे पहले सेव करके देख लेता हूँ कि वेबसाइट पर कैसे दिख रहा है। तो मैं इसे पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, तो ये मेरा प्रॉपरली यहाँ पर फिट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो इसके लोड हो जाने के बाद ये पूरा इमेज यहाँ पर शो करेगा। तो देख सकते हो ये प्रॉपरली फिट हो गया है। अभी ये 2 इमेज को भी हमें यहाँ पर से रिमूव करना है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर इमेज को पहले से ही रख लिया हूँ। तो ये 2 इमेज को मैं वापस से साइज को मैं चेंज कर लेता हूँ 316x179। तो अभी वापस से मैं कस्टम डायमेंशन पर डाल देता हूँ 316x179 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करिए। तो हमने यहाँ पर 3 इमेज को पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पर डालना है और साइज को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है। तो अपलोड पर आपको जस्ट क्लिक करना है, और मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कैनवा पर कैसे आप लोगो ये सबको डिज़ाइन कर सकते हो, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो इसे जस्ट आपको यहाँ पर साइज को बड़ा करना है इमेज का और ऐसे लगा देना है, और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अभी हमें दोनों इमेज को हम एक साथ ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज का भी साइज सेम टू सेम ही है। तो इमेजेस आपको फ्री में मिल जाएगी unsplash.com से, तो आपको कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस है। सभी लोग ज़्यादातर लोग unsplash.com से इमेजेस लेते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे किसी भी कैटेगरी टाइप। तो ओके, तो सबसे पहले हम इस प्लगइन इस जो हमें फाइल मिला है उसे हम लोग को पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसे मैं पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले इसे अपलोड कर लेता हूँ, तो मैं दोनों इमेज को एक साथ ही अपलोड कर लूँगा। ओके, तो अभी मैं जो ये पहला इमेज है उसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर सेकेंड इमेज को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी जो ये पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो बाद में बना रहा हूँ क्योंकि ये सभी मैंने ऑप्शंस के बारे में बता दिया हूँ।
तो आप आगे देख सकते हो। बट यहाँ पर ये जो इमेज का मैंने चेंजेस किया था वो मैंने उसके बाद बताया था, तो आप अगर इसके आगे का पार्ट देख रहे हो तभी आपको इस वेबसाइट पर इमेजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने ये उसके बाद बनाया जब ये मेरा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ये सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप फिर सोचना मत कि यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे वेबसाइट पर ये इमेज यहाँ पर क्यों नहीं शो कर रहा है। मैंने ये फिर लास्ट में मैंने बनाया था जब ये सब कुछ मेरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया, फिर मुझे याद आया। तो ओके गाइज, तो मैं अभी सबसे पहले इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो ये सभी इमेज यहाँ पर से चेंज हो गया है, हमने यहाँ पर दो इमेज को डाला था। और अभी क्या करना है आपको, जस्ट इसका कैटेगरी का जो URL है उसे डाल के आपके खुद के URL डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लोथ्स के बारे में, तो मैंने क्लोथ्स का अभी तक बनाया नहीं हूँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ सिर्फ ब्यूटी हेल्थ में डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक क्लोथ्स का कौन सा भी कैटेगरी नहीं बनाया हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। और कैटेगरी URL आपको देना है, तो यहाँ पर ये हेयर स्टाइल मीन्स ये प्रोडक्ट का URL है, तो अभी हमने कैटेगरी तो क्रिएट किया नहीं, तो एक काम कर लेता हूँ मैं प्रोडक्ट पर चला जाता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी का URL मिल जाएगा, उसे जस्ट आपको कॉपी कर लेना है। तो आप प्रोडक्ट URL भी कॉपी कर सकते हो, बट कैटेगरी URL कॉपी करोगे तो सभी प्रोडक्ट एक साथ ही आप वहाँ पर शो करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फैशन, और यहाँ पर मैं इसे एड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये मेंस फैशन का कैटेगरी पर व्यू पर मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको जस्ट उसे पेस्ट कर देना है। तो उसी तरह यहाँ पर ये शूज का है, तो मैंने शूज का तो पहले ही बना चुका हूँ, एक बार देखने दो। ओके, तो मैंने नहीं बनाया, तो मैं क्या कर लेता हूँ मेंस फैशन में ही इसे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर जो ये वाला प्रोडक्ट है ये होम डेकोरेशन का प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पर होम डेकोरेशन का मैंने बनाया था, तो इसे मैं जस्ट व्यू करके कॉपी कर लेता हूँ इसका एड्रेस, और यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कुछ भी चेंज करना है, गो शॉपिंग, उसके बाद ये टेक्स्ट को चेंज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो सभी का। और अभी आपको सेव कर लेना है, तो ये आपको पार्ट कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही आपके वेबसाइट पर इस तरह का आप प्रोडक्ट को शो करा सकते हो। उसके बाद आपको और मेन्यूज डालना है, तो यहाँ पर मेन्यूज डाल सकते हो, मेन्यूज का मैंने बताया था कैसे आपको करना है। उसके बाद आपका यूट्यूब का जो वीडियोज है उसे यहाँ पर आप डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे वेबसाइट से यूट्यूब का वीडियोज का लिंक डाल देता हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बहुत मेहनत लगा ये वीडियो बनाने के लिए। तो मैं वीडियो का URL डाल दिया हूँ, और प्रोमो काउंटर अगर आपको डालना है तो तभी ये एक एक करके आप सब कुछ देख लीजिए। अभी मैं ये पूरा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मुझे और ऐसे ऑप्शंस के बारे में दिखाना है आपको। उसके बाद आता है सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट में आपको क्या होगा कि आपके जितने भी आपका सिंगल प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाया होगा एनेबल प्री सिलेक्टेड वेरिएशन। आपको जितने भी वेरिएशंस मिले उसे यहाँ पर आपको एनेबल करना है तो कर सकते हो, एनेबल शेयर बटन आपको करना है कर सकते हो, और ऐसे और कुछ छेड़खानी करना नहीं है, बस इतना ही सब कुछ जो भी एनेबल है उसे एज इट इज रहने दो। और चेकबॉक्स को अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेकबॉक्स को दिखाना है तो रख सकते हो, वरना छोड़ दो। अभी सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें, और जितने भी यहाँ पर शिपिंग यहाँ पर दिया है उसे एज इट इज रिमेन रहने, तो या फिर खुद से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी सेव सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए, फॉर एग्जांपल चेकआउट। तो चेकआउट पर आने के बाद अभी यहाँ पर आपको शॉपिंग कार्ट, चेकआउट ऑर्डर समरी, रिक्वायर्ड फील्ड्स, उसके बाद बिलिंग एड्रेस, ये सब कुछ आपको डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एनेबल साइड शॉपिंग कार्ट, एनेबल शॉपिंग कार्ट पेज, तो अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी मैं एड टू कार्ट कर लेता हूँ इसे, उसके बाद आपको इस तरह का साइड शॉपिंग कार्ट आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है साइड शॉपिंग कार्ट, तो ये अच्छी बात है, अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसे कर लेता हूँ। और प्रोसीड टू चेकआउट पर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्टली ये पेज आएगा, बट यहाँ पर आपको एड्रेस और प्रोडक्ट दिखाएगा, आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए दूसरे पेज में जाना होगा। तो ये हमें इतना बड़ा नहीं क्रिएट करना है, इतना झमेला नहीं करना है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है, हमें शिपिंग मेथड उसके बाद पेमेंट मेथड पर दोनों पेज मिल जाएगा, तो हमें इस तरह का प्रोसेस नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली ये शिपिंग मेथड में ही आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पर चेकआउट फीचर्स पर आ जाना है, उसके बाद आपको ऑन पेज चेकआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसे आपको जस्ट ऑन कर देना है, क्योंकि आपको अगर आप ऑन करते हो
तो यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से वो पेमेंट कर सकता है। तो मैं इसे एनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पर काउंट टाइम, टाइमर, बैनर, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें। और ट्रस्ट बॉक्स, जो कि ये इमेजेस हमें दिखाना है, तो इसके लिए हम इसे एनेबल कर लेते। और इसे भी मैं एनेबल कर लेता हूँ। तो ये सब कुछ एक ट्रस्ट बनाने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो एक अच्छी बात है, आप ये सभी एनेबल कर लेते हो तो आपका कुछ जाने वाला नहीं। आपको जस्ट एक मतलब अच्छा दिखने के लिए आप ये सब कुछ को एनेबल कर सकते हो। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो शॉपिंग कार्ट, फिर बाद में चेकआउट डिटेल्स, फिर ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो भी पेमेंट मेथड को ऐड किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है, जो हमने रेजर पे और पेपाल को एनेबल किया था। तो यहाँ से आप उसका कर सकते हो, ऑल ट्रांजेक्शन आर सिक्योर। तो अगर आप पेपाल से करना चाहते हो तो पेपाल का भी ऑप्शन मिल जाता है, और टर्म्स एंड कंडीशन और कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर सकता है। तो दो ऑप्शन उन्हें मिल जाते हैं, वो भी SSL एनक्रिप्टेड पेमेंट है। तो ये सब कुछ आप पता चल गया रहेगा कैसे आपको पूरा डिटेल में कैसे आपको पेमेंट मेथड डालना है, कैसे चेकआउट के पेज को इस पेज पर लाना है, और एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर एक बैनर लगा दिया है। तो अभी यहाँ पर हम चलते अबाउट अस के पेज पर। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं है आपको, जस्ट कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो यहाँ पर लिखा है एज इट इज रिमेन रहने दो। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, आपके हिसाब से रखना है, उसे रख सकते हो। ये बैनर को चेंज करना है तो सब कुछ प्रोसेस इजी है। बार बार मैं आपको सब कुछ नहीं दिखाने वाला, और ये सभी जितने भी लोग हैं हमें यहाँ पर इनका कुछ काम नहीं है, तो इसका वो यहाँ पर से रिमूव कर सकते हो, आपका खुद का इमेज डाल सकते हो। उसके बाद आपको थैंक यू का पेज है, मीन्स अगर किसी बंदे ने आपके वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर किया है और आपको थैंक यू लेटर उसके बाद आता है, तो आप उसका बैनर चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, और जो थैंक यू का जो टेक्स्ट है उसे चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट कर, सोशल मीडिया, सब्सक्राइब फॉर्म, फूटर, ये सब कुछ आप एक एक करके आपको पता चल जाएगा जब भी आप इसे यूज़ करोगे। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस दिखा दिया। और अगर आप फूटर पर आते हो तो जो भी फूटर यहाँ पर शो कर रहा है, एक मिनट यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं मेन पेज पर आ जाता हूँ। तो अभी मेन पेज पर ये फूटर है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है। अभी कंपनी इन्फॉर्मेशन, परचेज इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ हमें डालना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर फूटर के सेक्शन पर इसलिए आए हैं। तो अभी यहाँ पर आपको सिर्फ बैनर दिखा रहा है। तो फूटर में यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो कि मैं इसे ब्लैक नहीं, अभी ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो रहने देता हूँ। उसके बाद कॉपीराइट नोटिस का जो कलर है, ये जो टाउन पर, उसमें यहाँ पर ऑल राइट्स रिजर्व्ड लिखा है। अभी पेमेंट मेथड डाला है। उसके बाद जो फूटर इन्फॉर्मेशन जो डालना है उसे डाल सकते हो, डिलीवरी मेथड्स। उसके बाद आपको नेम चिप ये सब को रिमूव करना है तो कर सकते हो। उसके बाद कॉपीराइट ईयर डालना है। उसके बाद मैं मेरा वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। और उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। आपका वेबसाइट का URL आपको कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस में अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चलो लिख लेता हूँ। मैं अभी खुद का एड्रेस आपको डालना है तो डाल सकते हो। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि आप एक खुद जेन्युइन पर्सन हो, और सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर लीजिए। तो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जनरल पर वापस से आना है, क्योंकि हमने यहाँ पर फूटर तो क्रिएट कर लिया है, आपका पहले से ही क्रिएट है। अभी हमें सभी पेजेस को क्रिएट करना होगा। तो आप तो मैन्युअली तो नहीं करने वाले, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी मैन्युअली नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ बार बार। तो देख सकते हो ऐड डिफॉल्ट पेजेस एंड मेन्यूज, हम यहाँ पर सभी डिफॉल्ट पेजेस बनाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। आपको डायरेक्टली आप सभी पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको जस्ट क्रिएट पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर ये सभी क्रिएट होते जाएगा। अभी ये कंप्लीट होने के बाद आपको सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। तो चलो अभी मैं इसे पहले रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि क्रिएट हो। अभी देख सकते हो सभी जितने भी यहाँ पर डिफॉल्ट पेजेस है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। आपको बार बार क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। तो इतना सिंपल वे था, मैंने आपको बता दिया टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस। तो अगर मैं अबाउट अस पर क्लिक कर लेता हूँ तो आपका अबाउट अस का पेज भी यहाँ पर इतना अच्छा प्रोफेशनली क्रिएट है, जो कि आप भी कभी सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा आपका क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी आपका क्रिएट है। सब कुछ आपको ऊपर से नीचे जितना भी है, सब कुछ आपका पहले से ही क्रिएट आपको मिल जाएगा। आपको खुद से लिखना नहीं है, खुद से आपको मैन्युअली करना नहीं है, आपका सब कुछ मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर आ जाना है। अभी आपको इंस्टाग्राम विजेट, फेसबुक विजेट और सोशल मीडिया लिंक,
तो ये सब कुछ आपको डालना होगा, क्योंकि इसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो कि आपका खुद का एक ब्रांड है। तो इसके लिए मैं फटाफट जाके मेरा खुद का सब कुछ डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ, जो कि मुझे मेरे वेबसाइट से ही मिल जाता है। इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया हो, यूट्यूब का भी डाल देता हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी में अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपको कभी ना कभी तो काम आएगा, आपको कहाँ से तो कांटेक्ट मिलेगा ही इसकी मदद से। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद अभी यहाँ पर मैं इसे सेव सेटिंग्स कर लेता हूँ। तो ये जितने भी लिंक है वो यहाँ पर आपको शो करेंगे, शायद मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हो, स्टे कनेक्टेड, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब सभी का ऑप्शन मिल गया। तो इसका भी यहाँ पर अपडेट, इंस्टाग्राम इमेजेस भी आप डाल दीजिए जो आपको डालना है, वरना आप इसे लीव कर दीजिए। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस के बारे में बता दिया हूँ कैसे आपको करना है, और प्रोडक्ट भी ऐड करना सिखा दिया हूँ। प्रोडक्ट ऐड करने के दो टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने पहले टाइप्स में बताया कि आप खुद बल्क में सभी एक वन क्लिक में सभी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, वो पहला पॉइंट था। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि आप एक एक करके सभी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि आप खुद एडिट करके, मींस आप पेज पर जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट को ओपन करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने का या फिर इम्पोर्ट करने का। तो आप दोनों में से कौन सा एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके डायरेक्टली एडिट कर इम्पोर्ट कर सकते हो। तो तीन ऑप्शन मैंने बता दिया हो, क्योंकि मेरा मेन फोकस था प्रोडक्ट कैसे ऐड करते और थीम को कैसे डिज़ाइन करते। अभी हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर आने के बाद आपको सब्सक्राइब फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। तो अभी सब्सक्राइब फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर्म सेटिंग्स फ्रॉम कलेक्टिंग यूजर्स ईमेल, मीन्स इसकी मदद से आप यूजर्स ईमेल को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे ये पहले से ही क्रिएट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसका डॉक्यूमेंट्स आता है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद आप सब्सक्राइब का एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं बताने वाला नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लेना। तो अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल इस तरह का एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। कुछ हार्डवर्क नहीं था, सिंपल सा वर्क था, जो कि एक एक पॉइंट्स करके मैंने सब कुछ आपको ऑप्शन बताया हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे वेबसाइट पर कि बहुत सारे कम कैटेगरीज है, पर कोई भी कस्टमर आता है उसे इतने ही कैटेगरी शो करेंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको प्रोडक्ट सेक्शन पर जाना है, इस प्रोडक्ट कैटेगरी को क्रिएट करना है और उसमें प्रोडक्ट ऐड करते जाना है। बट अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। तो अपीयरेंस मेन्यूज पर मैं चला जाता हूँ। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी आपने कैटेगरी को यहाँ पर ऐड किया है वो यहाँ पर शो करेगा, और आप देख सकते हो सिलेक्ट मेन्यू टू एडिट। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको सभी टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप फुटर को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, फुटर 1, 2, 3। उसके बाद मेन मेन्यू जो है टॉप पर है, ये मेन मेन्यू है जो आप देख सकते हो ये, और फुटर के लिए यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हो कितना फुटर है, 1, 2, 3। तो इस तरह से आप फुटर को चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, और कैटेगरीज को ऐड करना है, बट हमने कैटेगरीज को तो क्रिएट ज़्यादा किया नहीं हो। तो मैं यहाँ पर कस्टम लिंक पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर आपको उस कैटेगरी का यूआरएल डालना है जिसका आप यहाँ पर प्रोडक्ट शो कराना चाहते हो इस साइड पर। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, मोबाइल ट्राइपॉड्स का मैं प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोबाइल ट्राइपॉड्स, और यहाँ पर ऐड टू मेन्यू क्लिक कर लेता हूँ। ऐड उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आ चुका है। तो मैं और भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फैशन, चलो फैशन क्लोथिंग लिख लेता हूँ, मेंस फैशन लिख लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर लीजिए। तो इसी तरह आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। जहाँ पर मैं हैशटैग डाल रहा हूँ वहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट का या फिर कैटेगरी का यूआरएल डालना होगा। सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एसेसरीज। तो अभी चलो मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज को ऐड कर चुका। अभी मैं सेव मेन्यू कर लेता हूँ और इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी देख सकते हो और यहाँ पर कैटेगरीज आ चुके हैं। तो अभी मैं कोई भी कैटेगरीज पर होवर करूंगा, बट अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कैटेगरीज में यूआरएल नहीं डाला, सिर्फ मैंने हैशटैग डाला। तो इसलिए अभी कोई भी कैटेगरी ओपन नहीं होगा, और मैं इसे और भरना चाहता हूँ, मुझे ये खाली नहीं रखना है, मुझे और इसमें कुछ ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं कस्टम कैटेगरीज में से ही कौन सा कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ से मैं मान लो कि मैं स्किन केयर टूल्स एंड डंबल्स ये दोनों में सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद सेव मेन्यू कर लीजिए और यहाँ पर वापस इसे रिफ्रेश करें तो आप पता चल गया रहेगा कैसे आप मेन्यूज को कस्टम लिंक के थ्रू क्रिएट कर सकते हो और इमेजेस का साइज कैसे चेंज कर सकते हो canva.com की मदद से। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। अगर कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, आपको उसका पेमेंट मिलता है, उसके बाद क्या करना है। अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता, फॉर एग्जाम्पल इस ये प्रोडक्ट है, इस परफ्यूम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि $9 का परफ्यूम है, स्प्रे जो ये डिओड्रेंट है। तो इसे यहाँ पर से देख सकते हो, इसका यहाँ पर प्राइस शो कर रहा है $9.95 और इसके पूरे डिटेल में यहाँ पर बता रहा है कितने प्रोडक्ट्स है, जाकर परचेस कर सकते हैं कोई भी इसे। और मुझे ऐड टू कार्ट पर जस्ट क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर जो कार्ट पर होगा उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने दो प्रोडक्ट को ऐड किया, तो मैं एक प्रोडक्ट का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं तो मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी मान लीजिए कि मुझे ये प्रोडक्ट को चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले पूरा डिटेल में डिटेल डालना होगा, मेरा नेम, मेरा नंबर जो भी डालना, तो मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर से पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड में क्रेडिट डेबिट कार्ड मिल जाएगा और पेपाल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं पेपाल पर क्लिक करने के बाद आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर लीजिए और कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करिए। तो ये मैं पेपाल का बता रहा हूँ, तो पेपाल पर क्लिक करने के बाद जो भी अगर बंदे के पास पेपाल अकाउंट है तो यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के वो पेमेंट कर सकता है। तो इस तरह से पेपाल का पेमेंट होता है। अभी मैं रेजर पे का भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक इंडियन पेमेंट गेटवे भी बताया हूँ, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों से वो कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन और कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको पूरे डिटेल में पूरा भरना होगा और यहाँ पर मैं कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो जो कि $9.99 का है। अभी मान लीजिए कि जो ये प्रोडक्ट है वो अली एक्सप्रेस में चलो $3 का है, $3 का ये प्रोडक्ट है, बट आप इसे $9.95 में सेल कर रहे हो, तो उसमें आपको जितना भी प्रॉफिट होता है वो खुद आप जेब में रखोगे और जितने $3 है वो खुद ये प्लगइन ऑटोमेटिकली जाकर अली एक्सप्रेस पर जाकर पेमेंट, मतलब पूरा प्रोसेस कर देगा पेमेंट का और वो अली एक्सप्रेस जाकर प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा। अभी मान लीजिए कि अभी हमने ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस कर लिया है, अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर्स के सेक्शन पर आपको पूरे डिटेल में पता चल जाएगा कितने ऑर्डर्स आपको मिले, कितना आपका यहाँ पर कैंसिल हुआ ऑर्डर, कितना रिफंड हुआ। तो दो ऑर्डर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर किया था, तो जो पहला ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए इस ऑप्शन को मैं पेड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसे पेड कर लिया हो, और फुलफिलमेंट में मैं प्रोसेस्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो कंप्लीट हो जाने के बाद हमें $9.95 हमारे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। अभी जो ये कस्टमर का जो एड्रेस है, अभी मुझे इस एड्रेस को अली एक्सप्रेस पर डालना है और वो अली एक्सप्रेस जाकर उस कस्टमर को पेमेंट प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। बट उसके लिए हमें कुछ भी मैन्युअली नहीं करना होता है, आपको प्लेस ऑर्डर ऑटोमेटिकली पर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जाकर अली एक्सप्रेस पर पूरा चेकआउट कर देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो देख सकते हो ये ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस का, अली एक्सप्रेस में आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर पेमेंट का, मतलब पेमेंट जितना हो $3 $4 कितने का ये प्रोडक्ट है वो जाकर आप कर सकते हो। अभी एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि प्रोडक्ट कभी भी फ्री शिपिंग होना चाहिए, अगर फ्री शिपिंग नहीं है तो ज़्यादा चार्जेस लग जाता है। देख सकते हो ये प्रोडक्ट का प्राइस है $4.99, बट हम इसे बेच रहे हैं $9.95 में, तो आपको कितने का प्राइस प्रॉफिट हुआ, समझ लो कि $5 तक का आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी तरह से ये ड्रॉप शिपिंग वर्क करता है, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, देख सकते हो मेरा माउस यहाँ पर ही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ फिल कर देगा और आपके सामने पूरा डिटेल ला कर देगा। तो जितना भी कॉन्टैक्ट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके बाद स्टेट महाराष्ट्र, इंडिया, ये सब कुछ ही अपने आप भर रहा है, मैं कुछ भी नहीं भर रहा हूँ, और कॉन्फर्म पर क्लिक कर देगा। ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जस्ट पेमेंट कर देना है
$4.99 का, तो उसमें आपको $9.95 का आपने सेल किया और $4.99 आपको सिर्फ परचेस करना है इस प्रोडक्ट को और अली एक्सप्रेस जाकर उसे डिलीवर कर देगा। तो उसमें आपको एक ही प्रोडक्ट में आप $5 तक का, मतलब 200-300 का तो आप प्रॉफिट कमा ही लेते हो। तो इसी तरह से ये सब कुछ वर्क करता है। तो आप समझ गए हो कि कैसे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसे ये प्रोडक्ट सिस्टम वर्क करता है, कैसे पेमेंट को सेटअप करना है, थीम्स आपको कस्टमाइज करना है, वो सब कुछ मैंने जितना भी यहाँ पर डिटेल था, कितना भी यहाँ पर ऑप्शंस थे, वो सभी ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके गए और सभी ऑप्शंस को एक एक करके हमने चेक किया। तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको ये सब कुछ वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें। मैंने बहुत ही मेहनत किया ये वीडियो बनाने के लिए, पूरा 6 to 7 hours लगा दिया ये वीडियो के लिए, पूरा समझने के लिए। तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मोटिवेट होगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखकर खुद का ड्रॉपशिपिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो इसके बारे में पूरा रिसर्च करो, ड्रॉपशिपिंग कैसे काम करता है, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। रिसर्च करने के बाद ही आप डिसाइड करना कि मुझे वेबसाइट को क्रिएट करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, मैंने होस्टिंग का और प्लगइन का लिंक प्रोवाइड कर दिया हो, वहां से ही आपको बाय करना होगा। अगर आप मेरे लिंक थ्रू जाओगे तो आपको यहाँ पर 50% तक का ऑफ मिल जाएगा और आप बिल्कुल चीप प्राइस में प्लगइन और होस्टिंग को बाय कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।